सुनेंगे, अपन पढ़ रहे थे, देखो निश्चित समागम पढ़ रहे थे, देख सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो देखो निश्चित समाकलन अपन पढ़ रहे थे, समाकलन गणित में अपने अनिश्चित समाकलन पहले पढ़ लिया था, निश्चित समाकलन अपन पढ़ रहे थे, निश्चित समाकलन के जितने भी नियम है वो सारे अपने पढ़ लिए, देख एक तो छह गुणधर्म है, देखो उन गुणधर्मों पे आधारित समाकलन अपन देख रहे थे, देखो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देख फिर कुछ क्वेश्चन अपन करके देखेंगे, देखो आज फिर भी इंपॉर्टेंट अगर अपन देखें तो देखो एक तो चौथा जो गुणधर्म है वो इंपॉर्टेंट है, देख चौथा गुणधर्म क्या कहता है देखो सुनेंगे ध्यान से, इधर जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज है निश्चित समाकलन की वो अपन पढ़ चुके हैं, आज केवल अपने को क्वेश्चन करने देख, तो चौथा जो गुणधर्म है वो क्या एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो चौथा गुणधर्म ये देख, जैसे मान लो ये समाकलन दे रखा है, देख ए से बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, देख तो इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अपन लिख सकते हैं, देख अगर a से b एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, देख इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार इंटीग्रेशन का मान है वो आसानी से निकल जाता है, a से b एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो देखो सुनेंगे इधर ध्यान से, देख यानी x की जगह अपन क्या कर देंगे, देखो x की जगह कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे, देखो जहां भी x है वहां पे क्या लिख देंगे, देखो x की जगह क्या करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x ये कर देंगे, देखो ऐसा अगर अपन करेंगे तो अपन पीछे देख चुके हैं, इनकी प्रूफ भी देख चुके हैं, देखो समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेकिन समाकलन का जो मान है वो आसानी से निकल जाता है, और अपन ने बात की थी देखो ज्यादातर ये प्रॉपर्टी अपने को कब काम में लेना चाहिए, देखो ये गुणधर्म लगाने से ऐसा कोई समाकलन दे रखा है जिसमें हर में परिवर्तन नहीं हो, देख ऐसा कोई समाकलन है जिसमें चौथा गुणधर्म लगाने से हर में परिवर्तन नहीं हो रहा है वहां पे ये गुणधर्म क्या रहता है उपयोगी रहता है, या जैसे कोई लोग वाला फंक्शन है वहां अपन इस गुणधर्म को काम में ले सकते हैं, या यदि कोई समाकल्य अपने को दे रखा है उसके हर में ये दे रखा है, देख जैसे मान लो ऊपर अपने को दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है, नीचे मान लो वन प्लस ए की पावर एक्स दे रखा है, देख यानी हर में अगर मान लो ए की पावर एक्स दे रखा है ई की पावर एक्स दे रखा है ऐसा दे रखा है, देख तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं चौथा गुणधर्म काम में लेंगे तो समाकलन बिल्कुल आसानी से हो जाता है, तो अब ये बात थोड़ी अपने को सीधी सीधी ध्यान में रखनी है, देख जहां भी लोग वाला फंक्शन है या इस टाइप का कोई फंक्शन है या ऐसा कोई समाकलन है जिसके हर में अक्ष की जगह ये चेंज करने से परिवर्तन नहीं हो रहा, देख जैसे हमने बात की थी इस टाइप का समाकलन है, देख तो ये नियम याद कर लेंगे तो ये समाकलन आसानी से हो जाएंगे, देख मान लो ऐसा कोई समाकलन दे रखा है, देखो वन अपॉन अपने को दे दिया या साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे दिया, या मान लो यहां ऊपर साइन एक्स दे रखा है साथ में ऐसे दे दिया, देख ये दे दिया, देख अब यहां अपन देख रहे हैं देखो अक्ष की जगह अगर अपन पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे ए प्लस बी का मतलब हो गया पाई बाई टू हो गया, एक्स की जगह अगर पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो ये कोस बन जाएगा ये साइन बन जाएगा, देख हर में परिवर्तन नहीं हो रहा, देख तो ऐसी स्थिति में अगर अपन चौथा गुणधर्म काम में लेंगे तो समाकलन का मान बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, देख तो ऐसी स्थिति में अपने को चौथा गुणधर्म काम में लेना चाहिए, लोग वाला अगर कोई फंक्शन है तब अपने को चौथा गुणधर्म काम में लेना चाहिए, या ऐसा कोई फंक्शन है देख जिसके हर में मान लो ए की पावर एक्स है ई की पावर एक्स है ऐसी स्थिति है तब अपने को चौथा गुणधर्म काम में लेना चाहिए, देख फिर अपने पढ़ा था पांचवा गुणधर्म पढ़ा था, देख इनके प्रूफ भी अपने देखे थे, देख माइनस ए से ए तक मान लो कोई इंटीग्रेशन है जब भी लिमिट माइनस से प्लस दे रखी है तो अपने को पांचवा गुणधर्म जरूर लगा के देखना चाहिए, देखो और पांचवे गुणधर्म में अपने क्या बात की थी अगर एफ एक्स है वो मान लो विषम फलन है, अगर एफ एक्स विषम फलन है तब तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है जीरो होता है, देखो और अगर एफ एक्स सम फलन है तब इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो सब या विषम फलन कैसे करेंगे अक्ष की जगह माइनस एक्स रख के देख लेंगे, फिर जो भी फलन दे रखा है उसमें अक्ष की जगह माइनस एक्स करके देखेंगे, देखो अक्ष की जगह अगर माइनस एक्स करने पे उतना ही मान आता है इसका मतलब तो वो सम फलन हो गया, और अगर इसका चिन्ह चेंज हो जाता है तब इसका मतलब वो क्या कहलाता है विषम फलन कहलाता है, कल इस बात को अपने प्रूव भी किया था, देख तो अगर एफ एक्स विषम फलन है तब तो इस इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा जीरो, एफ एक्स अगर सम फलन है तब उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिमिट माइनस से प्लस दे रखी है तो हमेशा अपने को एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि ये सम फलन है या विषम फलन है, अगर विषम फलन होगा तो ये इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, देख अगर विषम फलन है तो इंटीग्रेशन यही जीरो हो जाएगा, देख ये अपन देख सकते हैं, देख ऐसे ही फिर छठा गुणधर्म था, देख छठा गुणधर्म ये था, देख सिक्स जो प्रॉपर्टी है वो गुणधर्म ये था, देखो जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स इस इंटीग्रेशन का मान जीरो होता है यदि एफ टू ए माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स के, देख इसके बराबर हो, देख अब इसके लिए कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां देखो ये फंक्शन दिया अब आएगा
इसमें x की जगह करके देख लेंगे, 2a माइनस x करके देख लेंगे, देख x की जगह इसमें 2a माइनस x करके देख लेंगे, अगर चेंज नहीं हो रहा है तब तो उस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देख अगर चेंज नहीं हो रहा है तब तो उस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख देंगे, देख कहने का मतलब यदि, कहने का मतलब ये देखो, यदि f 2a माइनस x अगर बराबर आ जाता है fx के, देख यानी x की जगह अपन 2a माइनस x करेंगे, x की जगह 2a माइनस x करने पर अगर वापिस fx के बराबर आ जाता है तब उस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देख 2 0 से a fx dx लिख सकते हैं, देख और अगर f 2a माइनस x करने पर यदि इसका चिन्ह बदल जाता है तब इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देख जब भी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट को हाफ करना हो तब अपने को ये नियम लगा के देख लेना चाहिए, देख जैसे कल अपन बात कर रहे थे वाली के सूत्र की बात कर रहे थे, देखो वाली के सूत्र कब लगता है, जब लिमिट हो पाई बाई टू, देख जीरो से पाई बाई टू होती है तब वो नियम लगता है, तो अगर मान लो लिमिट जीरो से पाई दे रखी है तो अपने को ये नियम लगा के देख लेना चाहिए, देख एक्स की जगह क्या करेंगे 2a माइनस एक्स करके देखेंगे, देख एक्स की जगह 2a माइनस एक्स करने पर यदि इसका चिन्ह नहीं बदलता है तब तो इसकी अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, देख और बदले में इसको 2 से गुणा कर देंगे, देख अगर इसका चिन्ह बदल रहा है तब इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देख ये आसानी से अपन देख सकते हैं, देख जब भी ऊपरी सीमा को हाफ करना हो आधा करना हो तब अपन ये गुणधर्म काम में लेते हैं, देख फिर अपने पढ़ा था देखो एक वाली का सूत्र पढ़ा था, देख एक मिनट के लिए मैं रिपीट कर देता हूं, देख cos nx dx क्या सूत्र था इसका, 0 से पाई बाई टू sin mx cos nx dx इसका क्या फॉर्मूला था, ऊपर तो घटाएंगे देखो इसमें से विषम संख्या घटाएंगे, देख m में से एक घटाएंगे तीन घटाएंगे तब तक घटाएंगे जब तक दो या एक नहीं आता, देख दो या एक नहीं आता तब तक घटाएंगे, देख ऊपर तो घटानी अपने को देखो विषम संख्या घटानी, फिर n में से एक घटाएंगे n में से तीन घटाएंगे तब तक घटाएंगे जब तक दो या एक नहीं आता, देख ये नहीं आता, नीचे दोनों को जोड़ के उसमें से सम संख्या घटाएंगे, देख m प्लस एन में से जीरो घटाएंगे m प्लस एन में से टू घटाएंगे ऐसे घटाएंगे, देख ये घटाएंगे तब तक घटाएंगे जब तक दो या एक नहीं आता, देख अगर m और n दोनों का मान सम होता है तब इसको पाई बाई टू से गुणा भी करना, देख अगर m व n दोनों सम है तब इसको क्या करेंगे पाई बाई टू से गुणा भी करेंगे, देख तब इसको पाई बाई टू से गुणा भी कर देते हैं, देख ये नियम अपने पढ़ा था, देख जीरो से पाई बाई टू साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसका मान सीधा आसानी से अपन ऐसे निकाल सकते हैं, देख सीधा ही फॉर्मूला, देख एम और एन अगर दोनों सम दे रखे हैं तब इसको पाई बाई टू से गुणा भी करेंगे, देख तब इसको पाई बाई टू से गुणा भी करते हैं, देख एक अपने पढ़ा था देखो विशेष गुणधर्म पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट भी था, देख जैसे मान लो अपने को ये इंटीग्रेशन करना है देखो जीरो से ए या मान लो ए से बी दे रखा है, देखो यहां पर ऐसे दे रखा है देखो ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स ऐसा अपने को इंटीग्रेशन दे रखा है, देख अब मान लो इंटीग्रेशन करने में इस एक्स की दिक्कत आ रही है, देख तो इस एक्स को अपन हटा सकते हैं, देखो और एक्स को कब हटा सकते हैं, देखो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में एक्स की जगह अपन करके देखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स करके देखेंगे, देख एक्स की जगह करना है ए प्लस बी माइनस एक्स करना है, ऐसा करने पर इसका मान नहीं बदलना चाहिए, देख अगर x की जगह इसमें अपन a प्लस बी माइनस एक्स करें तो इसका मान नहीं बदलना चाहिए तब इस x को अपन हटा सकते हैं, देख और x को हटाने के बदले में यहां लिख देंगे a प्लस बी बाई टू लिख देंगे, देख a प्लस बी बाई टू से तो गुणा कर देंगे और इस x को हटा देंगे, देख ये फॉर्मूला कल अपने पढ़ा था, यानी जैसे गुणा में x आ रहा है आप देखते ही पता लग जाएगा, अगर गुणा में x आ रहा है देखो यहां पर अगर गुणा में यहां पे x आ रहा है साथ में fx आ रहा है देखो और x से मान लो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो अपन fx में x की जगह ये करके देख लेंगे, देख x की जगह अगर ये करने पे इसका मान नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब x को अपन हटा सकते हैं, देख और साथ में लिख देंगे a प्लस बी बाई टू लिख देंगे, देख फिर इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं अपन, देख इनके प्रूफ वगैरह अपन कल देखे थे, देख ये सारे प्रूफ ज्यादातर चौथे गुणधर्म से होते हैं, देख चौथे गुणधर्म से इनके प्रूफ कल अपन किए थे, देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, एक तो देखो जो नए स्टूडेंट है अभी लास्ट में चल रहा है, देखो सोमवार से अपन नई बुक या नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, देखो तो तब पढ़ेंगे, देख एक बार लास्ट में चल रहा है अभी जितना समझ में है उतना ठीक है, देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं बताएंगे, देख तीन इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, देख थोड़ा इनको सीधा भी याद करने की कोशिश करो, देख तीन इंटीग्रेशन में यहां लिख रहा हूं, देख एक तो ये इंटीग्रेशन है, देख वैसे भी याद रखेंगे इनकी प्रूफ भी अपन देखेंगे, देख थोड़ा याद भी कर लो इनको, देख इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई अपॉन टू ए भी होता है,
एक जैसे इंटीग्रेशन है तीन, इसलिए मैं लिख रहा हूं एक साथ जीरो से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी होता है, ये होता है। एक इंटीग्रेशन है देखो जीरो से पाई वेट ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, नीचे देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई बाई फोर ए प्लस बी, इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई बाई फोर ए प्लस बी, ये होता है। तीन इंटीग्रेशन है देखो, एक जैसे से इंटीग्रेशन है, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना अलग बात है, देखो थोड़ा इनकी रिजल्ट भी याद कर ले कर सकते हैं अपन। तो एक जैसे इंटीग्रेशन तीन है उनको मैंने एक जगह लिखा दे, थोड़ा याद भी रख लो इनको साथ साथ, प्रूफ अपन इनके देखते हैं। देख याद रखने का मतलब ये देखो, जैसे मान लो आप यहाँ पे ए और बी, अगर ये अपने पास ये रिजल्ट याद है देखो, मान लो यहाँ तीन लिख दिया यहाँ चार लिख दिया, तो सीधा अगर अपने पास ये रिजल्ट है तो सीधा अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन लिखा हुआ मान लो यहाँ चार लिखा हुआ, अगर ये रिजल्ट अपने पास याद है तो सीधा ए और बी का मान रखने से इसका उत्तर आ जाएगा। देख तो कुछ इंपॉर्टेंट या स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको सीधा भी ध्यान रखना चाहिए। पहला इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, देख पहला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे बताओ। देख पहला इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, पहला इंटीग्रेशन अपन करके देख रहे हैं भाई। जीरो से पाई वेट यहां पर देख रहे हैं देखो, वन अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। कैसे करना चाहिए बताओ इस इंटीग्रेशन को, आज आपसे पूछ पूछ के करेंगे देखो, क्योंकि नियम अपन पढ़ चुके हैं सारे। देख फिर नियम सारे अपन पढ़ चुके हैं, देख तो कौन सा नियम लग सकता है या कैसे कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन को बताओ। देख चौथा गुणधर्म यहां नहीं लगेगा, देख चौथे गुणधर्म से क्या फायदा होगा। चौथा गुणधर्म अपन तब लगाते हैं जब हर में एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखने से परिवर्तन नहीं होता। देख यहां अगर मैं एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स करूंगा तो ये तो साइन बन जाएगा और ये कोस बन जाएगा, चेंज हो जाएंगे ना दोनों। भाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स है, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो चेंज हो रहा है। देख एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखने से चेंज हो रहा है, तो चौथा गुणधर्म यहाँ उपयोगी नहीं रहेगा। लगाने को तो लगा सकते हो लेकिन चौथे गुणधर्म से ज्यादा फायदा नहीं होगा यहाँ पर। देख तो कैसे है ऐसे समाकलन करना, अपने देखो निश्चित अनिश्चित समाकलन में पढ़ा था, देखो त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन में अपने देखा था, अगर नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो कोस स्क्वायर एक्स हो तो अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देके फिर समाकलन करते हैं। पढ़ा था अपने देख, अगर नीचे साइन स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर एक्स है, अगर साइन एक्स कोस एक्स इनकी घात दो होती है तो अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं फिर टेन एक्स बराबर टी मान के समाकलन करते हैं। देख तो अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, इससे भाग दे रहे हैं। अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, ये कितना बन जाएगा देखो जीरो से पाई वेट ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। अब टेन एक्स बराबर टी मान के समाकलन आसानी से कर सकते हैं अपन। देख टेन एक्स का अवकलज यहां पे विद्यमान है, देख टेन एक्स का अवकलज यहां पे विद्यमान है तो टेन एक्स बराबर टी मानने से समाकलन हो जाएगा। देख टेन एक्स का अवकलज यहां पे विद्यमान है, टेन एक्स बराबर टी मानने से समाकलन हो जाएगा। देख हो गया नहीं, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। देखो यहाँ पे टेन एक्स बराबर अगर टी मानेंगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। देख टेन एक्स बराबर टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी आ जाएगा। लिमिट इसकी चेंज हो जाएंगी, किसके अंदर चेंज हो जाएंगी लिमिट, एक्स बराबर पाई बाई टू ले रहा हूं मैं, देख एक्स की जगह अगर यहाँ पे पाई बाई टू लेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा। देख टी का मान आएगा इनफाइनाइट, ये आएगा भाई। और एक्स की जगह अगर अपन लोअर लिमिट रखेंगे, देखो ये लोअर लिमिट, एक्स की जगह अगर जीरो करेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भाई, टी का मान जीरो आएगा।
अब ये सारे चेंज इसके अंदर कर दोगे, ये नियम है, नियम पढ़ चुके हैं अपन ऐसा। अगर नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो, कोस स्क्वायर एक्स हो, तो अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देके समाकलन करना चाहिए। देख अगर सारे नियम याद कर लेते हैं तो समाकलन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। देख तो ये समाकलन किसमें चेंज हो जाएगा, देख जीरो से पाई बाई टू की जगह आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। देख ए स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसकी जगह डी टी आ जाएगा। देख नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। देख अब इसका समाकलन कैसे करेंगे बताओ, किसका सूत्र बन रहा है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। देख वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। देख एक्स अपॉन ए होता है। देख अब जो टी का गुणांक है उसका भाग और लग जाएगा। देख उसका भाग और लगेगा। देख लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट आएंगे। देख यहां से बन जाएगा वन अपॉन ए बी, वन अपॉन ए बी आ गया। देख ये आएगा। देख सूत्र लगा दिया अपने, देखो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र लगाया। देख वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, एक्स की जगह यहाँ पे बी टी हो गया। देख ये हो गया। देख फिर टी का जो कोफिशियंट है उसका मैंने भाग दिया। देख अब यहाँ अगर लिमिट रखेंगे, देखो यहाँ पे टी की जगह अगर इनफाइनाइट करेंगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, पाई बाई टू होता है। देख ये हो जाएगा। फिर टी की जगह जीरो करेंगे, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है। तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है पाई अपॉन टू, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन टू ए भी आ जाएगा। कुछ एग्जांपल अपन करके देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा इनको समझने की दृष्टि से देखो। देखिए ये समाकलन और कोई तरीके से नहीं हो रहा। देखो चौथा गुणधर्म यहां लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर में परिवर्तन हो रहा है। हर में अगर परिवर्तन नहीं होता है तब चौथा गुणधर्म है वो यूजफुल रहता है। देखो फिर अपन ने देखा कि और कैसे कर सकते हैं इसका समाकलन। तो एनिस्सी समाकलन में अपन ने ये नियम पढ़ा था। देख एनिस्सी समाकलन में अपन ने ये नियम पढ़ा था कि अगर हर में साइन स्क्वायर एक्स हो, कोस स्क्वायर एक्स हो, तो अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देके सेक स्क्वायर एक्स हो टेन एक्स बना लेना चाहिए। देख फिर टेन एक्स बराबर टी मानने से समाकल हो जाता। देख टेन एक्स बराबर टी मानने से समाकलन हो जाता। देख ये अपन देख सकते हैं। ऐसे देखो सेकेंड अपन देख रहे हैं। देख सेकेंड जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है। देख सेकेंड जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो ये दे रखा है। देख जीरो से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस दे रखा है देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ये दे रखा है। देख ये दे रखा है। बताओ कैसे करना चाहिए इस इंटीग्रेशन को। देखो देखिए अब यहां देखो एक्स आ रहा है, एक्स के साथ में एक फंक्शन और आ रहा है। देख तो अपने वो कोशिश करनी चाहिए। अभी अपने देखो निष्कासन वाला विशेष गुणधर्म पढ़ा है। देख अगर यहां से एक्स हट जाता है तो वो पहले वाला समाकलन ही बन जाएगा। देख फिर पहले वाले समाकलन में और इस समाकलन में केवल एक्स का ही तो डिफरेंस है। अगर इस एक्स को आप हटा सकते हो तो वो पहले वाला इंटीग्रेशन ही बन जाएगा। देखो थोड़ा समझेंगे, देखो थोड़ा सा इन गुणधर्मों को समझो कि कब कब कैसे कैसे काम में लेने। देख यहां अपन देख रहे हैं यदि एक्स को अपन हटा सकते हैं तो वो पहले वाला गुणधर्म ही लग जाएगा। देखो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। देखो अब एक्स को हटा सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर एक्स को कब हटा सकते हैं, सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो ये तो एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। देखो ये एफ एक्स इसमें एक्स की जगह करो पाई माइनस एक्स करो। देखो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करने पर अगर इसमें चेंज नहीं होता है तब अपन इस एक्स को हटा सकते हैं। देखो सुनेंगे, देखो इधर एक्स की जगह अगर मैं पाई माइनस एक्स करूंगा तो कोस पाई माइनस एक्स वापिस कितना होता है, कोस पाई माइनस एक्स है वो माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर करने पे वापस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। देख और साइन पाई माइनस एक्स वापस साइन एक्स होता ही है। देख तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह अगर अपन पाई माइनस एक्स करेंगे, देखो सुनेंगे, देखो इसमें एक्स एफ एक्स से अगर कंपेयर करें तो एफ एक्स का मान ये आ रहा है। देख ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही अपन शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं भाई। थोड़ा समझने के लिए देख रहे हैं। देख एक्स की जगह मैं कर रहा हूँ देखो पाई माइनस एक्स कर रहा हूँ। देख ये कर रहा हूँ एक्स की जगह मैं कर रहा हूँ ए प्लस बी माइनस एक्स कर रहा हूँ। इस बात का मतलब है ए प्लस बी माइनस एक्स कर रहा हूँ। देख ये कर रहा हूँ। देख ऐसा करने पे अगर चेंज नहीं होता है यहाँ आएगा देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा। देख यहाँ आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा। देख ये आएगा। देख
इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो वन अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसको अपन लिख सकते हैं वापिस एफ एक्स लिख सकते हैं, ये लगा लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, देखो अभी जो अपन ने विशेष गुणधर्म पढ़ा था वो ये पढ़ा था, देखो एक्स के साथ में जो फंक्शन है उसमें अपन एक्स की जगह ये करेंगे, देखो ए प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, देखो ऐसा करने पे यदि इसमें चेंज नहीं आता है तब इस एक्स को अपन हटा सकते हैं, देखो तब इस एक्स को अपन हटा सकते हैं, ये बात समझ रहे हो क्या, देखो तो विशेष गुणधर्म यहाँ लगा सकते हैं अपन, जो विशेष गुणधर्म अपन ने पढ़ा था वो अपन यहाँ लगा सकते हैं, विशेष गुणधर्म लगाएंगे तो देखो अक्ष तो हट जाएगा और उसके बदले में आ जाएगा कितना a प्लस बी, ए प्लस बी वाई टू आ जाएगा, देखो यहां आ जाएगा, देखो जीरो से पाई वन अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो विशेष गुणधर्म लगा के मैंने एक्स को हटा दिया, जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था वो लगाया मैंने यहां पे, देखो सूत्र अपने पढ़ा था एक्स को तो हटा देंगे, उसकी जगह आ जाएगा ए प्लस बी वाई टू आ जाएगा, देख उसकी जगह आएगा ए प्लस बी वाई टू आएगा, देख क्या आएगा, देख अब जो अपने पास जिस इंटीग्रेशन का मान जानते हैं अभी अपने जो निकाला है उसकी लिमिट क्या थी जीरो से पाई वाई टू थी, यहां आ रही है जीरो से पाई आ रही है, देखो तो देखो देखिए इसकी लिमिट हाफ कर सकते हैं क्या अपन, इसकी लिमिट हाफ कब कर सकते हैं, देखो चट्ठा गुणधर्म क्या कहता है एक्स की जगह वापिस पाई माइनस एक्स करके, देखो चट्ठा गुणधर्म क्या था एक्स की जगह करना है टू ए माइनस एक्स, तो यहां x की जगह पाई माइनस x करेंगे, x की जगह पाई माइनस x करने पे यदि चेंज नहीं होता है तो इसकी लिमिट को हाफ कर सकते हैं, देखो तो यहां x की जगह पाई माइनस x करने पे चेंज नहीं हो रहा, देखो तो इसकी लिमिट को तो अपन हाफ कर देंगे, देखो इसकी लिमिट को तो अपन हाफ कर देंगे और दो से गुणा कर देंगे, देखो इसकी लिमिट को हाफ कर दिया और इसको दो से गुणा कर दिया, देखो ये मैंने लगा दिया कौन सा गुणधर्म चट्ठा गुणधर्म, देखो ये मैंने सिक्स प्रॉपर्टी लगाई है, सिक्स प्रॉपर्टी यहां लगाई है मैंने, देख चट्ठा गुणधर्म लगा दिया, देख ये लगाया मैं, ये लगा दिया देख, अभी इस इंटीग्रेशन का मान कितना होता है अभी अपने निकाला था, देखो इस इंटीग्रेशन का मान दो से दो कैंसिल हो जाएगा पाई, इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई अपॉन टू ए, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी, इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू ए बी आएगा, ये इसका मान आ जाएगा, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर अपन याद रखेंगे तो देखो वो बीच बीच में काम भी आते रहते हैं, थोड़ा सा ये छह गुणधर्म इनको याद कर लो एक बार अच्छी तरह, ये बात समझ रहे हो या नहीं, भाई एक्स की चट्ठा गुणधर्म अपने क्या पढ़ा था, देखो एक्स की जगह करना है आपको ए माइनस एक्स करना है, तो यहां मैंने एक्स की जगह किया पाई माइनस एक्स किया, देखो अगर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करने पर यदि चेंज नहीं होता है तब उसकी अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं, देखो और साथ में दो से गुणा कर देंगे, साथ में दो से गुणा कर देंगे, इस इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन टू ए भी आ जाएगा, ऐसे देखो जो तीसरा रिजल्ट है वो है, देख तीसरा जो अपन ने लिखा था वो ये था, देख जीरो से पाई वाई या है देखो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, नीचे है देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स है, देख बताओ यहां कौन सा गुणधर्म लगाना चाहिए अपने को, देख चौथा गुणधर्म कब लगाते हैं, अगर हर में एक्स की जगह ए माइनस एक्स करने पे चेंज नहीं होता, देखो यहां अगर एक्स की जगह मैं पाई बाई टू माइनस एक्स लिखूंगा तो चेंज नहीं आएगा, देखो एक्स की जगह अगर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे तो ये तो कोस बन जाएगा ये साइन बन जाएगा, देखो तो यहां चौथा गुणधर्म है वो उपयोगी रहेगा, देखो यहां चौथा गुणधर्म है वो यूजफुल रहेगा, देखो तो यहां चौथा गुणधर्म लगा देंगे, इसको आई के बराबर मान लो, इसको आई के बराबर अपन मान लेंगे, ये आ जाएगा a साइन x प्लस बी कोस x, नीचे आ जाएगा साइन x प्लस कोस x डी एक्स, ये आ जाएगा इसको समीकरण नंबर एक कह दिया भाई, इसको समीकरण नंबर एक कहा है भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी यहां लगा रहे हैं, देखो चौथा गुणधर्म यहां लगा रहे हैं, चौथा गुणधर्म अपन यहां लगा रहे हैं, चौथा गुणधर्म लगाएंगे कितना आएगा, देख चौथा गुणधर्म लगाएंगे तो जहां भी x है वहां पे कर देंगे अपन पाई बाई टू माइनस एक्स कर देंगे, जहां भी x है वहां कर दो पाई बाई टू माइनस एक्स, चौथा गुणधर्म अपन कल पढ़ चुके हैं, x की जगह कर देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स कर देंगे, यहां आ जाएगा कितना, देखो x की जगह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा,
यहां आ जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा भाई, साथ में dx आ जाएगा भाई, ये आएगा भाई चौथा गुणधर्म अपन लगा रहे हैं। यहां से i बराबर कितना आएगा देखो, जीरो से पाई बाई टू ये आएगा भाई, ऊपर बन जाएगा कितना a cos x प्लस बी साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा कितना cos x प्लस साइन एक्स dx ये आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर दो कह दिया, ये कहा भाई आप समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ दो, देखो आसानी से अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं भाई, समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ देंगे भाई, इधर तो आ जाएगा टू आई आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ रहा हूं मैं, ये बात सही है क्या, एलसीएम तो सेम है दोनों का, देखो समीकरण नंबर एक और दो में अगर देखें तो एलसीएम तो दोनों में सेम है भाई, दोनों में सेम है भाई, वहां ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, वहां पे कितना है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और यहां पे है ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, ये है भाई समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ दिया भाई, ये आ जाएगा जीरो से पाई बाई टू, ये आएगा भाई। अब यहां साइन एक्स के साथ में क्या कॉमन आ रहा है, अगर यहां अपन देखें तो साइन एक्स के साथ में कॉमन आ रहा है ए प्लस बी, साइन एक्स के साथ में ए प्लस बी आ रहा है, कोस एक्स के साथ में भी ए प्लस बी आ रहा है, तो ए प्लस बी तो बाहर आ जाएगा और यहां बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो गई थी। अब यहां से अगर अपन देखें तो a प्लस बी तो बाहर आ जाएगा भाई, वन का इंटीग्रेशन करेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई बाई टू, ये आ जाएगी भाई, इतना आएगा भाई, यहां से टू आई बराबर आ जाएगा अपने पास कितना पाई बाई टू ए प्लस बी आ जाएगा भाई, i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई फोर ए प्लस बी आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तीन इंटीग्रेशन थे एक जैसे इंटीग्रेशन थे, देखो थोड़ा सा अपन देख रहे थे अलग अलग नेम लगे हैं तीनों में, देखो पहला इंटीग्रेशन था इसमें देखो कोई गुणधर्म नहीं लिख रहा था, सेकंड में लगा था इसमें लगा रहे, ये अपन देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि तीनों में देखो अपन क्या क्या डिफरेंस देख रहे हैं, देख ये पहला वाला है उसमें सीधा जो नियम था उसी से हो रहा था, अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देगी फिर अपने किया था, इनको याद रखने से फायदा है, देखो जैसे इस इंटीग्रेशन को अगर अपने पास याद है मान लो इसका मान पूछ लिया आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक तरीके से, जैसे मान लो आपको इस इंटीग्रेशन का मान पूछ लिया थ्री साइन एक्स प्लस फोर कोस एक्स, नीचे दे दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे दिया, देखो इस इंटीग्रेशन का मान पूछ लिया, देखो अगर अपने पास सूत्र याद है तुरंत अपन कर सकते हैं, देखो उससे कंपेयर करेंगे कितना आएगा, देख पाई बाई फोर आ जाएगा, ए का मान तो कितना हो गया तीन हो गया, बी का मान कितना हो गया चार हो गया, टेंसर आ जाएगा सेवन पाई बाई फोर आ जाएगा, टेंसर आ जाएगा सेवन पाई बाई फोर, या अपन चौथे गुणधर्म से तो कर ही सकते हैं, चौथा गुणधर्म कब काम में लेना, देखो समाकलन का हर इस तरीके का होना चाहिए कि एक्स की जगह ए माइनस एक्स करने पर चेंज नहीं हो रही, एक्स की जगह अगर ए माइनस एक्स करने पर चेंज नहीं होता है तब अपन ये गुणधर्म काम में लेते हैं, तब चौथे गुणधर्म से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, देख अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं देखो उनको एक जगह मैंने लिखे हैं, देख थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगी, देख तीन देखो इंटीग्रेशन एक जैसे हैं, देख तीन इंटीग्रेशन एक जैसे हैं, देख एक तो ये इंटीग्रेशन है देखो अल्फा से बीटा वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है देख, इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई होता है, इस इंटीग्रेशन का मान पाई आता है, सेकंड इंटीग्रेशन है देखो अल्फा से बीटा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई बाई एट बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, और एक ही इंटीग्रेशन है भाई अल्फा से बीटा,
अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान होता है पाई बाई टू, बीटा माइनस अल्फा होता है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। देख अब यहां अल्फा बीटा की जगह कोई भी मान दिया हुआ है, सकता है एक दो दे देंगे, तीन चार दे देंगे, कोई भी दे सकते हैं। देख ये तो हमने जनरली लिखा है, देख ये लिखा है, सारे ध्यान से सुनेंगे पहले। देखो ये सारे इंटीग्रेशन करने का एक तरीका है, देखो अपने माना था ना एक प्रतिस्थापन, अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो तो क्या प्रतिस्थापन मानते, एक्स बराबर मानते हैं अपन अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसी से करोगे तो सारे हो पाएंगे, वैसे नहीं होंगे। अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बराबर टी मानने से एक दो तो हो जाएंगे, लेकिन सारे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वो प्रतिस्थापन काम में ले लेना, उससे सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे। देख तीनों इंटीग्रेशन करने का एक ही तरीका है, देख तीनों इंटीग्रेशन करने का एक ही तरीका है, थोड़े क्वेश्चन बड़े जरूर बनते हैं लेकिन तीनों इंटीग्रेशन करने का एक ही तरीका है। देख प्रूफ इनके देख रहे हैं अपन, एक पहले थोड़ी मैं अलग से कैलकुलेशन कर लेता हूं, देख इन तीनों के प्रूफ अपन देख रहे हैं, देख इनके इंटीग्रेशन करने के लिए देखो अपन शुरू में लिख चुके हैं, ऐसा अगर इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसमें ये प्रतिस्थापन काम में लेते हैं अपन, एक एक्स बराबर अपन ये ऐसे लिख रहा हूं, मैं प्रूफ लिख रहा हूं, देख एक्स बराबर ये प्रतिस्थापन काम में लेना आपको, देख एक्स बराबर अल्फा कोस स्क्वायर थीटा, देख एक्स बराबर अपन अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रतिस्थापन अपन काम में लेंगे। देख ये तीनों इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ये प्रतिस्थापन काम में लेते हैं, ये बात अपन पहले लिख चुके हैं, देख एक्स बराबर अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। देख अब ये प्रतिस्थापन काम में लेंगे तो क्या क्या चेंज होंगे, डीएक्स भी चेंज होगा, देख डीएक्स किसमें चेंज हो जाएगा, देख इनके मान अलग से निकाल लो एक बार पहले, देख अगर अपन एक्स बराबर ये प्रतिस्थापन काम में लेंगे तो डीएक्स तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा डीएक्स, आउटपुट कर दो, देखो इसका टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये बनेगा, देख यहां आ जाएगा बीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, साथ में आ जाएगा डी थीटा, देख ये आ जाएगा, देख कितना आ जाएगा, देख एक्स बराबर अगर ये मानेंगे तो डीएक्स भी चेंज होगा, देख यहां से अगर अपन देखें तो डीएक्स कितना आ जाएगा, देख पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से टू साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से देखो टू साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा टू बीटा माइनस एल साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, देख एक्स बराबर इतना आएगा, देख एक्स बराबर इतना आएगा, देख एक्स बराबर अपने अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा मान लिया तो डीएक्स इतना आ जाएगा, देख अपने को जरूरत पड़ेगी देखो एक्स माइनस अल्फा की, मान एक्स माइनस अल्फा का मान निकाल लो, देख एक्स माइनस अल्फा का मान निकाल लो, एक्स माइनस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, एक्स एक्स की जगह मैं ये रख रहा हूं, देखो अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, देख माइनस अल्फा इसका मान मैं निकाल रहा हूं, देख एक्स माइनस अल्फा का मान मैं निकाल रहा हूं, देख अब थोड़ा शॉर्ट में अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो यहां देखो अल्फा कोस स्क्वायर थीटा है, यहां माइनस अल्फा, देखो अगर इसमें से दोनों में से माइनस अल्फा अगर अपन कॉमन ले लें तो माइनस अल्फा कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ही तो बन जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से है ही, तो ये बन जाएगा कितना, देखो बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का मान इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा है वो बराबर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा के, ये बात समझ रहे हो क्या, इस स्टेप से देखो इस स्टेप से और इस स्टेप से दोनों से मैंने माइनस अल्फा कॉमन लिया, देखो यही तो स्टेप थी, देखो अल्फा कोस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा था, देख इन दोनों से अगर मैं माइनस अल्फा कॉमन ले लूं तो माइनस अल्फा कॉमन लेंगे तो यहां तो बनेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां बनेगा प्लस वन बनेगा, और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, देख वही लिखा है मैंने, देख वही मैंने लिखा है, देख ऐसे ही अगर अपन निकालेंगे, देखो उसमें क्या था एक्स माइनस अल्फा था, फिर एक बीटा माइनस एक्स है, देख बीटा माइनस एक्स का मान निकाल लो, देख बीटा माइनस एक्स का मान निकाल रहे हैं, देख इसको समीकरण नंबर एक कह देते हैं एक बार, बीटा माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, देख बीटा माइनस एक्स बीटा का मतलब तो बीटा ही रखेंगे, एक्स का मान रख दो, देखो इसमें एक्स की जगह रखेंगे अपन अल्फा कोस स्क्वायर थीटा,
अक्ष की जगह मैं रख रहा हूं देखो अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये रखेंगे देखो। अब इन दोनों स्टेप से अगर अपन देखें तो क्या कॉमन ले सकते हैं देख, इन दोनों से देख, यहां से बीटा कॉमन आएगा देख, और बीटा कॉमन आएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यानी कोस स्क्वायर थीटा बनेगा देखो। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा देख, कितना बनेगा देख। तो उसमें जहां भी एक्स होगा वहां तो ये मान रखना है, डीएक्स की जगह ये मान रखेंगे, एक्स माइनस अल्फा की जगह ये रखेंगे, बीटा माइनस एक्स की जगह ये रखेंगे भाई। एग्जाम की दृष्टि से इनको याद रखा जाता है, कोई बुराई नहीं है। जैसे एक्स बराबर ये रख रहे हैं तो एक्स माइनस अल्फा इतना आएगा, बीटा माइनस एक्स इतना आएगा, तुरंत अपन कैलकुलेशन कर पाए, तुरंत अपन कैलकुलेशन कर पाए, ध्यान रखा जाता है। लिमिट अगर अपन देखें तो लिमिट कितनी आएगी देखो, समीकरण नंबर एक से मैं देख रहा हूँ भाई, लिमिट भी चेंज हो जाएंगे देख, लिमिट भी चेंज होंगे देख। एक्स बराबर देखो एक तो लिमिट है अल्फा से बीटा है ना, तो एक्स बराबर अल्फा वाली लिमिट किसमें चेंज हो जाएगी देख, एक्स बराबर अगर अल्फा यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना बनेगा देख, एक्स बराबर अल्फा मैं यहाँ रख रहा हूँ देख, एक्स बराबर अल्फा यहाँ पे रखेंगे तो ये जीरो बनेगा देखो, और जीरो बनने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो हो गया, और साइन थीटा का मान जीरो कहाँ पर होता है, जीरो पे होता है देख। तो एक्स बराबर अल्फा वाली लिमिट तो चेंज हो जाएगी जीरो पे देख, और ऐसे ही एक्स बराबर बीटा वाली लिमिट किसमें चेंज हो जाएगी देख, एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे बीटा रखता हूँ देख, एक्स की जगह अगर बीटा रखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, ये भी बीटा माइनस अल्फा से बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन आएगा, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, कितना वन आ जाएगा भाई। समीकरण नंबर एक से मैंने लिमिट निकाली है, समीकरण नंबर एक से लिमिट निकाल ली थी। अब ये सारे मान उन इंटीग्रेशन में रखेंगे तो वो सारे हो जाएंगे देख, ये सारे मान उसके अंदर रखेंगे देख, स्पेशल इंटीग्रेशन है देखो, इंपॉर्टेंट भी है, या तो सीधे उनके वैसे रिजल्ट याद करो या फिर ये तरीका याद करो भाई। अब ये सारे मान अपन रख रहे हैं देखो, सबसे पहले पहले इंटीग्रेशन के अंदर रख रहे हैं भाई, पहला जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसमें ये सारे मान रख रहे हैं भाई। पहला इंटीग्रेशन क्या दे रखा था अपने को देखो, अल्फा से बीटा वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे दे रखा था भाई। पहला जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से दे रखा था भाई, पहला इंटीग्रेशन इस तरीके से दे रखा था। लिमिट किसमें चेंज हो जाएंगे देखो, अल्फा वाली लिमिट है वो तो चेंज हो जाएगी जीरो पे देख, बीटा वाली लिमिट चेंज हो जाएगी पाई बाई टू में देख, डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, डी एक्स की जगह आएगा टू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये आएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई। और अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का मान ये रहा देख, एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा दोनों को गुणा करके रखेंगे तो कितना बनेगा देख, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, ऐसे रखेंगे देख, ये आएगा देख, एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा का मान रख दिया देख, ये सही किया कि मैंने देखो, यहाँ पे इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन है, थोड़े डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, पूछे जाते हैं एग्जाम में देख, फिर पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद करना पड़ेगा अपने को, केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो उससे इंटीग्रेशन थोड़ी सीखा जाएगा भाई। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको जैसे भी याद कर सकते हैं करेंगे अपन याद उनको। अब यहां से अगर अपन सोल्व करेंगे तो इनको कितना आ रहा है देख, यहां अपन देख रहे हैं देखो, इसका अंडर रूट हटेगा तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे देख, हो जाएंगे ना कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा देख, ये बनेगा टू जीरो से फाइव एट, ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया है, या वन आ जाएगा, ये आ जाएगा देख, और वन का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा आएगा देख, लिमिट आएगी जीरो से पाई बाई टू, ये आ जाएगा देख, लिमिट रख देंगे यहाँ पाई बाई टू आ जाएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा पाई, पाई उतर आ गया देख। तो अल्फा से बीटा वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स डी एक्स अगर कोई इंटीग्रेशन है तो उसका मान आएगा पाई आएगा देख। अब इसका मतलब ये देखो, अल्फा और बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे अल्फा की जगह तीन कर दो, बीटा की जगह चार कर दो, उस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो भी पाई आएगा भाई, तो भी पाई उत्तर आ जाएगा भाई। अल्फा और बीटा की जगह तीन चार हो सकता है, पांच छह हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तब इतना मान आएगा भाई, ये अपन देख रहे हैं, इतना मान आ जाएगा भाई। ऐसे ही सेकेंड इंटीग्रेशन को अपन देख रहे हैं देख, सेकेंड इंटीग्रेशन को देख रहे हैं भाई, सेकेंड इंटीग्रेशन को अपन देख रहे हैं भाई,
सेकेंड इंटीग्रेशन अपने पास ही है, देखो अल्फा से बीटा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन है भाई, ये इंटीग्रेशन दे रखा है भाई। सेकेंड इंटीग्रेशन ये है देख, सारे मान रख दो इसके अंदर जो अभी अपने माने थे देख, वो सारे मान इसमें रख देंगे देख। लिमिट तो हो जाएंगे देखो जीरो से पाई बाई टू, लिमिट जीरो से पाई बाई टू होंगे देख, मान रख दो सारे देखो अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा का मान वहां से रख दो देख, एक्स माइनस अल्फा का मान वहां से रख देंगे, बीटा माइनस एक्स का मान हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा भाई। डीएक्स का मान रख दो देखो, डीएक्स का मान डीएक्स की जगह कितना आया था बीटा माइनस अल्फा टू साइन थीटा कोस थीटा, क्या है सर, इसमें सारे मान रख दिए देखो, ये मान इसके अंदर रखे हैं देखो, अब यहां पे अपन देखें तो देखो थोड़ा सोल्व करो इसको क्या बन रहा है देखें, यहां अपन देख रहे हैं देखो ये बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बन रहा है देख, बात सही, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बन रहा है, ऊपर अंडर रूट है तो एक बीटा माइनस अल्फा यहां से आएगा, एक बीटा माइनस अल्फा ये रहा देख, तो ये बाहर आ जाएगा देख, टू बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा देख, यहां बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू, ये आ जाएगा देख, इतना आ जाएगा देख, यहाँ क्या है देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर अंडर रूट है तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा देख, और यहां से भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई, ये सही है के बाद। अब इसका मान कैसे निकालोगे, कल अपन पढ़ चुके हैं इसका सूत्र देखो, वाली के सूत्र से इसका मान निकालेंगे भाई, वाली के सूत्र से अगर अपन देखें तो m का मान दो हो गया, n का मान दो हो गया भाई, m बराबर दो है n बराबर दो है, ऊपर घटाएंगे विषम संख्या भाई, ऊपर विषम संख्या घटाएंगे तब तक घटाएंगे जब तक एक या दो नहीं आता देख, एक आना चाहिए, अगर एक आ रहा है तो एक तक लेके आना है, एक नहीं आ रहा तो फिर दो तक छोड़ देंगे देख। अब अपने देखो एम इसमें से अपने एक घटा दिया, एक तक आ गया ये छोड़ देंगे देखो, फिर इसमें से एक घटा देंगे भाई, एक घटा दिया भाई, तब तक ले कैलकुलेशन करेंगे जब तक एक नहीं आ जाता, एक नहीं आ रहा है तो दो तक छोड़ना भाई, नीचे अपन क्या करेंगे दोनों को जोड़ के उसमें से सम संख्या घटाएंगे भाई, दोनों को जोड़ दिया मैंने, दोनों को जोड़ के इसमें सम संख्या घटा रहे हैं, चार में से जीरो घटा दिया, चार में से दो घटा दिया भाई, अब चार में से चार घटाएंगे तो जीरो बनेगा तो यही छोड़ देंगे भाई, अगर एम और एन दोनों सम है तो इसको पाई बाई टू से गुणा भी करेंगे भाई, एम और एन दोनों अगर सम है तो इसको पाई बाई टू से गुणा भी करते हैं, ये अपन देख रहे हैं, एम और एन दोनों सम है तो पाई बाई टू से गुणा भी कर देंगे, अब यहां से अगर अपन देखें तो इस टू से ये टू कैंसिल हो रहा है, और पूरे ही कैलकुलेशन करेंगे कितना बन जाएगा, ये पाई बाई एट बन रहा है, पाई बाई एट और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ रहा है, ये आ जाएगा, ऐसे देखो इससे आगे वाला इंटीग्रेशन है वो तो अपन एनिसिस मामले में कर भी चुके हैं देख, यही मान रख के करना है, कर सकते हो या नहीं, उसी तरीके से करके देखना है, करके देख लो अभी इसे, जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है उसको करके देखो देख कितना आता है, थर्ड जो इंटीग्रेशन है उसको करके देखो एक बार देख, थर्ड इंटीग्रेशन वो करके देखो देख, थर्ड इंटीग्रेशन को करके देखेंगे देख, थर्ड इंटीग्रेशन दे रखा है अपने को अल्फा से बीटा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ये दे रखा है भाई, तो इसमें सारे मान रखेंगे, लिमिट तो चेंज हो जाएंगे जीरो से पाई बाई टू, एक्स माइनस अल्फा का मान रख देंगे, एक्स माइनस अल्फा का मान हो गया बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा,
नीचे बीटा माइनस एक्स है उसका मान आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या डी एक्स की जगह आ जाएगा टू बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्या गया एक्स माइनस अल्फा इनके मान रख दिए, देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो रही है, ये देखो टू बीटा माइनस अल्फा अपन बाहर ले सकते हैं, देखो टू बीटा माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा भाई, ये बाहर आ जाएगा भाई। यहां अपन देख रहे हैं देखो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बनेगा, ए कोस थीटा यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा भाई, कितना बनेगा ना देखो ये साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बन रहा है, ये आ जाएगा भाई। अब इसमें वो सूत्र लगा दो, वाली का सूत्र लगा देते हैं, उसका सूत्र लगा देंगे साइन एम थीटा या कोस एन थीटा हो तो उसके लिए भी तो पढ़ा था अपने अलग से, देख कितना आ जाएगा एम का मान दो हो गया, देखो यहां एम का मान दो हो गया तो सूत्र होता है देखो ऊपर तो विषम संख्या घटानी है, ऊपर तो घटाएंगे विषम संख्या, देख नीचे सम संख्या घटाएंगे तो दो में से जीरो घटाएंगे, फिर दो में से दो नहीं घटाना, देख जब तक एक या दो नहीं आता तब तक घटाएंगे, देख अगर इसका मान सम है तो पाई बाई टू से गुणा भी करेंगे, पाई बाई टू से गुणा भी कर दिया, देख ये आ गया देख। अब इसको सॉल्व कर दो, देख ये सारे सूत्र हैं, सूत्र अपन लिख चुके हैं पहले, देख अब यहां अगर अपन देखें तो इस टू से ये टू कैंसिल हो रहा है, देख तो इसका मान कितना आ जाएगा पाई बाई टू बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा पाई बाई टू बीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लो इनको, देखो एक बार मान लो कहीं भी अपने को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया, देख तीन से चार तक ऐसे दे दिया, देखो अंडर रूट एक्स माइनस तीन दे दिया, नीचे चार माइनस एक्स दे दिया, इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है, इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है, ऐसे मान लो कोई इंटीग्रेशन दे दिया, देख तो कितना मान आ जाएगा, इससे कंपेयर कर लो, देख अगर ये सूत्र अपने याद है तो तुरंत कर सकते हैं, देख यहां पर देख रहे हैं देखो अगर वो अपने याद है इसका मान इतना होता है तो इसका मान तुरंत निकाल सकते हैं, देख उससे कंपेयर करेंगे अल्फा का मान तीन हो जाएगा बीटा का मान चार हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पाई बाई टू बीटा माइनस अल्फा यानी चार माइनस थ्री, तो इसका मान कितना आएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू इसका मान आ जाएगा। तो अब अगर ये सूत्र याद है तो देखो कितना आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, देख अगर सूत्र याद है तो कितना आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है वो अपन करके देख रहे हैं, देख देखो एक है जब कोई फलन अगर आवर्ती फलन दे रखा है, देख पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करता है, जब एफ एक्स है वो आवर्ती फलन हो, एलजेब्रा में अपन पढ़ चुके हैं, देखो आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है भाई, एक मान के बाद में उसका मान वापस रिपीट हो जाता है, देख एक मान के बाद में निश्चित मान के बाद में उसका मान वापस रिपीट हो जाता है तब उसको अपन कहते हैं आवर्ती फलन, देख देखो अपन एक डेफिनेशन पढ़ी थी सुनेंगे इधर भाई, आवर्ती फलन का मतलब क्या है, देखो अक्ष में अपन एक न्यूनतम धनात्मक संख्या जोड़े ताकि वापस क्या आ जाए वो फंक्शन आ जाए, अक्ष में मान लो टी जोड़े तो टी जोड़ने पर वापिस क्या आ जाना चाहिए वो फलन ही आ जाना चाहिए, देखो ऐसी अपने को एक निश्चित संख्या मिल जानी चाहिए, देखो तब उस फलन को अपन कहते हैं आवर्ती फलन कहते हैं, देखो साइन एक्स है कोस एक्स है ये सारे आवर्ती फलन होते हैं, देख साइन एक्स है कोस एक्स है ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है, देख अक्ष में अगर अपन टू पाई जोड़ेंगे, देख अक्ष में अगर अपन टू पाई जोड़ते हैं तो ये बनेगा देखो साइन एक्स प्लस टू पाई, ये बनेगा देख, और साइन एक्स प्लस टू पाई को अपन क्या लिख सकते हैं वापिस साइन एक्स लिख सकते हैं भाई, साइन टू पाई प्लस थीटा वापिस कितना होता है साइन थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, देख तो साइन एक्स है कोस एक्स है सेक एक्स है इन सब का आवर्तकाल है वो कितना होता है टू पाई होता है, देख छोटी से छोटी उसमें अपन क्या संख्या जोड़ेंगे वापिस वही फंक्शन आ जाए, देख वापिस वही मान रिपीट होने लग जाएंगे, देख
तब वो कहलाता आवर्ती फलन कहलाता देख। तो अगर एफ एक्स आवर्ती फलन दे रखा है देख, तब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो अपन एक ये नियम देख सकते हैं देख। जैसे मान लो जीरो से एन टी, ऐसे अपने कोई फंक्शन दे रखा है देख, ऐसे दे रखा है देख, तब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देख, एन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं देख, इसको ऐसे लिखा जा सकता है देख, जहां टी क्या है एफ एक्स का आवर्तकाल है, जहां टी क्या है देखो एफ एक्स का आवर्तकाल है। जीरो से एन टी एफ एक्स अपने को ऐसा मान लो कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, तो उसको अपन ऐसे बांट के लिख सकते हैं देख, इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है देख, जहां टी है वो एफ एक्स का आवर्तकाल या पीरियड है देख। अब थोड़ा सा देखो जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनकी आवर्तकाल अपन ध्यान में रख लेंगे देखो एक बार, वैसे तो एलजेब्रा में पढ़ा है इसको अपने देख, यहां एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं देखो, इधर तो लिख रहा हूं फलन, यहां लिख रहे हैं आवर्तकाल देख, उस स्टैंडर्ड फंक्शन है जो एक दो अपने काम आएंगे उनकी मैं आवर्तकाल लिख रहा हूं देख। जैसे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स है, कोस एक्स है, सेक एक्स है देख, और कोसेक एक्स है देख, इनका आवर्तकाल कितना होता है, कितना होता है इनका आवर्तकाल, टू पाई होता है। साइन एक्स है, कोस एक्स है, इनके मान टू पाई के बाद में रिपीट होते हैं देख, इनके मान टू पाई के बाद में रिपीट होते हैं देख। टेन एक्स है, कोट एक्स है, इनके मान कहां पे रिपीट होते हैं, पाई पे रिपीट होते हैं। टेन एक्स कोट एक्स का आवर्तकाल होता है पाई होता है, क्योंकि अपन जानते हैं देखो टेन पाई प्लस एक्स कितना होता है, टेन पाई प्लस एक्स का मतलब कितना हो गया, पाई में अगर अपन कोई संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो टेन टेन ही रहता है, टेन तो टेन ही रहेगा, और पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टेन में अगर अपन पाई जोड़ते ही इसके मान वापस रिपीट होने लग जाते हैं भाई, टेन पाई प्लस एक्स है वो वापस आ जाता है, टेन एक्स आ जाता है भाई। यानी आवर्तकाल का मतलब क्या है देखो, अक्ष में अपन न्यूनतम संख्या क्या जोड़े कि वापस वही फंक्शन आ जाए भाई, उसी को अपन कह रहे हैं आवर्तकाल कह रहे हैं। तो टेन एक्स है, कोट एक्स है, इनका आवर्तकाल पाई होता है भाई। अगर मॉड ऑफ साइन एक्स देखें देख, मॉड ऑफ साइन एक्स है देख, मॉड ऑफ कोस एक्स है, मोड ऑफ टेन एक्स है, मोड ऑफ कोट एक्स है, इन सब का आवर्तकाल होता है पाई होता है, इन सब का आवर्तकाल होता है पाई होता है। मोड ऑफ साइन एक्स का मान देखो पाई पे रिपीट हो जाएगा, साइन एक्स का तो मान पाई पे रिपीट नहीं होगा, लेकिन मोड ऑफ साइन एक्स का मान पाई पे रिपीट हो जाएगा देख, सही है या नहीं बात। एफ एक्स बराबर अगर मैं मोड ऑफ साइन एक्स लेता हूं देखो, अब एक्स की जगह मैंने पाई प्लस एक्स लिख दिया देखो, एक्स में पाई जोड़ा देख, एक्स में अपन ने पाई जोड़ा देख, एक्स में पाई जोड़ेंगे तो यहां आएगा कितना देखो, साइन पाई प्लस एक्स ये आएगा देख, कितना आएगा देख, और साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है, साइन पाई प्लस एक्स वापिस होता है साइन एक्स, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है देख। अब इसका अगर मापांक लेंगे तो कितना आएगा, मोड ऑफ साइन एक्स आएगा देख। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ साइन एक्स के अंदर जब अपन पाई जोड़ेंगे तो वापस इसका मान वही आने लग जाएगा देख। तो मोड ऑफ साइन एक्स है इसका आवर्तकाल कितना होता है, पाई होता है देख, इनका आवर्तकाल होता है पाई होता है देख। ये बात सही है क्या, देखो देखिए लिख चुके हैं अपन एलजेब्रा में ये बात है, पढ़ा होगा काफी लोगों ने तो, क्या नहीं पढ़ा, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा है? एक जैसे ये फंक्शन लेते हैं अपन, एक आवर्ती फंक्शन की बात कर रहा हूं देख, अक्ष माइनस महत्तम पूर्णांक अक्ष, कितना होता है इसका आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल कितना होता है, अक्ष माइनस महत्तम पूर्णांक अक्ष का आवर्तकाल कितना होता है, कितना होता है,
इसका आवर्तकाल होता है 1 होता है भाई। पढ़े न पढ़े एक ही समान है भाई। जो नए स्टूडेंट है उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, देख बात बराबर है भाई, एक ही बात है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ये याद तो तब होंगे जब अपनी परीक्षा की कोई आएगी, डेट आ जाएगी और आ जाएगी, तब तो याद होंगे भाई, है ना। उससे पहले तो एक ही बात है, जिन्होंने पढ़ लिया उनकी कौन सा याद हो गया भाई। देखो इसको अगर अपन बात करें तो ये भी एक आवर्ती फलन है, क्यों है देखो, इसका मतलब ही होता है देखो, इसको अपन कहते हैं बिनात्मक भाग फलन भी कहते हैं देखो। भी एफ एक्स बराबर ले रहे हैं देखो, अक्ष महत्तम पूर्णांक अक्ष ले रहे हैं देखो, ये ले रहे हैं देखो। महत्तम पूर्णांक अक्ष का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक होना चाहिए, या तो इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए देखो। अब जैसे मान लो मैं इसका मान निकाल रहा हूं देखो, जीरो का मान, जीरो पे इसका मान कितना आएगा, जीरो माइनस महत्तम पूर्णांक जीरो देखो, और महत्तम पूर्णांक जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है देखो, ये होता है। अक्ष की जगह अगर अपन 0.5 लिखेंगे तो 0.5 पे इसका मान कितना आएगा, अक्ष की जगह लिख दिया मैंने 0.5, यहां आएगा महत्तम पूर्णांक 0.5 आएगा देख, ये आएगा देख। अब ये बनेगा देखो 0.5, महत्तम पूर्णांक 0.5 का मान कितना होगा, जीरो होगा देख। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे पूर्णांक संख्या होती है तब तो उसका मान उसके बराबर ही लिखते हैं देखो, जैसे मैं एक है तो इसका महत्तम पूर्णांक एक ही लिखते हैं देखो, अगर यहाँ पे पूर्णांक संख्या है तब तो उसका मान उसके बराबर ही लिखते हैं, अगर दशमलव वाली संख्या है तब इसको लिखेंगे जस्ट छोटे वाली पूर्णांक संख्या के बराबर लिखेंगे। अगर 1.5 है तो इसका मान एक होता है देख, अगर 1.9 है तो इसका मान कितना होता है, एक होता है देख। तो 0.5 का मान कितना आएगा, जीरो, यानी ये आएगा 0.5 देख, ये आएगा। अब जैसे ही मैं एक लेता हूं देखो, यहां पर अगर एक लेंगे देख, तो अक्ष की जगह अगर अपन एक लेंगे तो कितना बनेगा देखो, एक माइनस महत्तम पूर्णांक एक, ये बनेगा देख। अब इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, महत्तम पूर्णांक एक का मान एक हो गया, तो इसका मान जीरो आएगा भाई। तो कहने का मतलब देखो, जीरो पे इसका मान जीरो आ रहा था, फिर जैसे ही अपने इसमें एक जोड़ा है वापिस जीरो आ गया देख। अब वापिस एक जोड़ेंगे दो पे भी इसका मान जीरो आएगा देख। तो जैसे ही अपन एक दूरी आगे चल रहे हैं इसका मान वापिस वही रिपीट हो रहा है देख। ऐसे ही फलन को अपन कह रहे हैं आवर्ती फलन देख। जीरो पे भी इसका मान जीरो है, एक पे भी जीरो है देख, दो पे अगर निकालेंगे तो दो पे भी जीरो आएगा इसका मान देख। तो इसका मतलब ये भी एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल कितना है, 1 है देख, जिसका आवर्तकाल कितना है, 1 है देख। तो ये एक बार एग्जांपल याद करो देखो, कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं देख, इनके आवर्तकाल याद कर लो देख। अगर आवर्ती फलन दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन अपन इस तरीके से कर सकते हैं देख। आवर्ती फलन दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन इस तरीके से कर सकते हैं देख। जैसे देखो ये इंटीग्रेशन है 0 से 200 पाई साइन एक्स डीएक्स, इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है अपने को देख, इस इंटीग्रेशन का मान अपने को निकालना है देख। 0 से अपने को 200 पाई दे रखा है, साइन एक्स डीएक्स दे रखा है, इस इंटीग्रेशन का मान अपने को निकालना है। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो, साइन एक्स है वो एक आवर्ती फलन है, आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल कितना होता है, 2π होता है। तो इसको 2π की फॉर्म में लिख लो देख, इसको लिख लेंगे ऐसे लिख लेंगे देखो, 100 × 2π ऐसे लिख लेंगे देखो, साथ में आ जाएगा साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा देख, ये आ जाएगा देख, ऐसे लिखेंगे इसको देख। जो जितना इसका आवर्तकाल है उसको तो अलग कर लो और बाकी को अलग कर दो देख, 200π है उसको मैंने लिख दिया, 100 × 2π लिख दिया देख, ये लिखा देख। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नियम क्या बढ़ा था, जैसे 0 से nt f(x) dx है अगर ये है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, n 0 से t f(x) dx लिखते हैं भाई, ये लिखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो 100 है वो नीचे आ जाएगा भाई, और ये बन जाएगा 0 से 2π साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई। ये सूत्र अभी अपने पढ़ा दे, जितना इसका आवर्तकाल होता है उसको तो अलग कर लेना और बाकी को अलग कर देना। जैसे 200 पाई है तो मैंने देखो आवर्तकाल होता है इसका 2π, तो 2π को अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया देख, ये कर दिया देख। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो देख, साइन एक्स का समाकलन करेंगे कितना आएगा, माइनस कोस एक्स, लिमिट हो जाएगी 0 से 2π, 0 से 2π हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां अगर अपन देखें तो x की जगह 2π करेंगे कितना आएगा, माइनस तो बाहर आ गया, x की जगह 2π रखेंगे देख, x की जगह 2π रखेंगे तो cos 2π का मान कितना होता है, 1 होता है देख,
कोस 2 पाई का मान 1 होता है, सही है बात। फिर x की जगह 0 करेंगे, कोस 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो पूरे का मान ही कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका उत्तर आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब मापांक फलन वगैरह हो तब ये यूजफुल रहेगा, देखो ज्यादा मापांक फलन वगैरह अगर दे रखा है तब ये ज्यादा यूजफुल रहता है। ये बात समझ रहे हो क्या? थोड़ा देखो, देखिए भाई यहां पर देख रहे हैं, देखो साइन एक्स है वो एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल 2 पाई होता है, तो इस अपर लिमिट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये 100 तो अपन ने नीचे ले लिया, 100 टाइम्स आ जाएगा, देखो इस 0 से 2 पाई तक इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसका 100 टाइम्स आ जाएगा, देखिए। फिर अपन इसको सॉल्व किया, देखो जैसे देखो ये इंटीग्रेशन है, देखो 0 से 200 पाई, 0 से 200 पाई है, साथ में मॉड ऑफ साइन एक्स है। अब यहां ये यूजफुल रहेगा, सारे एक बार ध्यान सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे, देखो एक बार, अगर ये आवर्ती फलन वाला नियम अपने को नहीं पता होता तो इस इंटीग्रेशन को अपन कैसे करते, देख कैसे करते हैं, मापांक कैसे हटाते हैं इसका, भाई ये इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को मापांक हटाना पड़ता है, और मापांक कैसे हटाते हैं, मापांक हटाने के लिए देखो यहां जो संख्या है उसको अपन 0 के बराबर रखते हैं, देख यहां वाली संख्या को 0 के लिखना नहीं है, देखो ऐसे ही बता रहा हूं, इस संख्या को अपन 0 के बराबर रखते हैं, देख फिर यहां से एक्स के मान निकालते हैं, एक्स के मान क्या आएंगे, साइन एक्स का मान 0 कहां कहां पे होता है, 0 पे होता है, फिर पाई पे होता है, फिर 2 पाई पे होता है, फिर कितने पे होता है, 3 पाई पे होता है। अब अपने को 0 से 200 पाई तक कितने मान आएंगे उतने अपने को भाग बनाने पड़ेंगे, देखो इस अगर अपन ये नियम नहीं जानते तब की बता रहा हूं, अगर ये नियम नहीं जानते तो अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से तो करते हैं इंटीग्रेशन, जहां जहां इसका मान 0 बन रहा है वहां वहां भाग बनाने पड़ेंगे, ये पाई आ गया, यहां पे 2 पाई आ गया, इस भाग में अलग इंटीग्रेशन होगा, इसमें अलग इंटीग्रेशन होगा, इसमें अलग होगा, ऐसे करने पड़ेंगे अपने को 200 पाई तक। साइन एक्स का मान 0 कहां कहां पे होता है वो सारे मान अपने यहां लिख लिए, फिर ऐसे भाग बनाने पड़ेंगे, देखो जहां जहां पे इसका मान 0 हो रहा है वहां वहां भाग बनाने पड़ेंगे, अगर 0 और पाई के बीच में साइन का मान पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। ये तो सीखा है अपने शुरू में कि मापांक फलन दिया हुआ है तो उसका समाकलन ऐसे होता है, देख अब 0 से 200 पाई तक देखो भाग बनाना संभव नहीं है, देख तो इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख लेंगे, देख अपन जानते हैं मोड ऑफ साइन एक्स है वो एक आवर्ती फलन है, देख मोड ऑफ साइन एक्स है वो क्या है, आवर्ती फलन है, देख जिसका आवर्तकाल कितना होता है पाई होता है, देख इसका आवर्तकाल कितना होता है पाई होता है, जिसका आवर्तकाल होता है पाई, ये होता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को देखो आप, इसको लिख सकते हैं 0 से 200 तो अलग कर लो और पाई अलग कर लो, यहां आ जाएगा मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, भाई ये आ जाएगा, भाई कितना आ जाएगा, भाई ये बात समझ रहे हो क्या, भाई अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देख 200 तो नीचे लगा देंगे, देख ये आ जाएगा 0 से पाई मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये लिखेंगे, देख अब इसका मापांक हटाएंगे, मापांक हटाने का क्या तरीका है, ये देखो 0 और पाई के बीच में इसका मान 0 कहां बन रहा है, जहां पे 0 बन रहा है वहां से अपन इसके दो भाग करेंगे, देख साइन एक्स को 0 के बराबर करके ये देखो कि 0 और पाई के बीच में इसका मान 0 कहां बन रहा है, तो साइन एक्स को अगर अपन 0 करेंगे तो साइन एक्स को 0 करने पर एक्स बराबर क्या आएगा 0 पाई ही आएगा, देख तो इसका मतलब 0 और पाई के बीच में इसका मान कहीं भी 0 नहीं बन रहा, देख 0 और पाई के बीच में इसका मान कहीं भी 0 नहीं बन रहा, देख तो इस पूरे भाग में इसका इंटीग्रेशन एक साथ ही कर सकते हैं अपन, देख और 0 से पाई तक साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है पॉजिटिव होता है, देख 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, देख फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, देख तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो अब 200 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे, भाई ऐसे लिखेंगे, भाई मापांक फलन का समाकलन करना अपन सीख चुके हैं, ये तरीका अपने सीखा था ऐसे, देख साइन एक्स को 0 के बराबर कर दो, वहां से एक्स के मान निकाल लो, उन मानों को रेखा पे अंकित कर दो, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी चिन्ह लिखते हैं, भाई अब 0 से पाई तक इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, देख अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे कितना बनेगा, देख साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस एक्स,
लिमिट बन जाएगी जीरो से पाई। या देखा इस माइनस को बाहर ले लेंगे, देख माइनस को बाहर ले लिया देख, अब यहां से बनेगा देखो पाई, एक्स की जगह पाई करेंगे कोस पाई का मान कितना होता है माइनस वन होता है देख, एक्स की जगह जीरो करेंगे कोस जीरो का मान एक होता है देख, ये होता है। यहां देखो इस माइनस को तो मैंने बाहर ले लिया, एक्स की जगह पाई कर दिया फिर एक्स की जगह जीरो कर दिया देख, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 400 आ रहा है, इसका आंसर आएगा कितना 400 देख। तो ऐसी स्थिति में ये यूजफुल रहेगा देख, ऐसी स्थिति में अपन देख सकते हैं ये यूजफुल रहेगा देख, करके देखो इस क्वेश्चन को करो देखिए सारे। मान लो अपने को दे दिया जीरो से 300 पाई दे दिया देख, और मॉड ऑफ कोस एक्स दे दिया देख, इस इंटीग्रेशन का मान निकाल के देखो देखे एक बार, सारे करेंगे अपनी कॉपी के अंदर देखें। जीरो से 300 पाई तक मोड ऑफ कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कितने लोगों ने कर लिया इसको बताओ देखें, शाबाश कुछ बच्चों ने किया देख। सभी को आना चाहिए क्वेश्चन, बताओ क्यों नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली बात तो देखो मोड ऑफ कोस एक्स है वो एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल कितना होता है पाई होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे जीरो इंटू जीरो से 300 इंटू पाई मोड ऑफ कोस एक्स लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको अपन लिख सकते हैं 300 जीरो से पाई मॉड ऑफ कोस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने को जीरो से पाई तक मापांक को हटाना पड़ेगा देखो, और अपन लास्ट क्लास से या उससे पहले वाली क्लास में ये सीख चुके हैं देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे अपने देखो, कैसे हटाते हैं मापांक देखो दोबारा एक बार सुन लेंगे इधर, मापांक हटाने का क्या नियम है देखो, ये देखो कि इसका मान जीरो कहां पे हो रहा है देखो, कोस एक्स का मान जीरो कहां पे हो रहा है देखो, कोस एक्स का मान जीरो कहां हो रहा है ये देखने के लिए कोस एक्स को जीरो के बराबर रख दिया देख, कोस एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे तो कोस एक्स का मान जीरो कहां पर होता है पाई बाई टू पे होता है, फिर कहां पे होता है थ्री पाई बाई टू पे होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अब सुनेंगे इधर सुनेंगे एक बार सारे देख, अगर जीरो से पाई तक मोड ऑफ कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे देख, सबसे पहले मापांक हटाया जाता है, मापांक हटाने का ये तरीका अपने देखा था देख, मापांक के बीच में जो संख्या है ना उसको जीरो के बराबर रख देंगे देख, उसको जीरो के बराबर रख के फिर एक्स के मान निकालेंगे देखो, इन एक्स के मानों को रेखा पे अंकित करेंगे देखो, यहां पाई बाई टू आ गया, इंटीग्रेशन करना है अपने को जीरो से पाई तक, ऐसे करना देखो। अब जीरो से पाई बाई टू तक देखो इसका मान पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जीरो से पाई बाई टू तक कोस का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहां तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव, और पाई बाई टू से पाई तक इसका मान क्या होता है नेगेटिव, तो यहां इसको लिखेंगे नेगेटिव देखो। अब इस इंटीग्रेशन को ऐसे करेंगे देखो 300, आप इसके दो भाग बनाएंगे देखो, जीरो से पाई बाई टू तक तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव, ऐसे लिखा जाएगा इसको जीरो से पाई बाई टू, यहां तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखेंगे देखो, और पाई बाई टू से पाई तक इसको लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव लिखेंगे देखो। ये सीख चुके हैं अपन, पहले कर चुके हैं ऐसा देख, ये लिखेंगे देखो। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तब इसका उत्तर आएगा देख, एक बार देखो अपनी कॉपी में ऐसे किए हैं या नहीं किए, एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन किए हैं या नहीं है? एक बार देखो क्या पता नहीं करवाए मेरे, ऐसे ध्यान में आ रहा हूं देख, एक बार देखो कॉपी के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन करवाए ऐसे देख, ये मापांक हटाने वाले 15 क्वेश्चन करवाए देख।
यहां देखो, देखिए ये कितना बन जाएगा, कोस एक्स का बन जाएगा साइन एक्स से, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स से, माइनस बाहर ले लेंगे, देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे फिर साइन एक्स आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा पाई बाई टू से पाई आ जाएगा। अब यहां पे लिमिट रखेंगे इसका मान आ जाएगा, देख लिमिट रखेंगे तब इसका मान आ जाएगा 300। देखो ये कितना बन जाएगा, एक्स की जगह पाई बाई टू करेंगे, साइन पाई बाई टू का मान वन हो जाएगा, जीरो का मान जीरो हो जाएगा। देख यहां साइन पाई जीरो होता है, देख पाई बाई टू करेंगे तो कितना होता है, वन होता है। देख अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इसका मान, 600 आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा 600 आ जाएगा। मापांक हटाने वाले और ये क्वेश्चन किए भाई अपन ने पीछे, देखो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन करके देखिए, देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो नियमों पे आधारित क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े अलग तरीके से होते हैं वो अपन देख रहे हैं, देख और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सारे, देख जीरो से वन, देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहा है, जीरो से वन टेन इनवर्स, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है देख, जीरो से वन टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देख इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया, देख इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया, देख कैसे करेंगे बताओ, इस इंटीग्रेशन को कौन सा सूत्र यहां पे बनता दिख रहा है, देख जीरो से वन टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देख इसको कुछ टेन इनवर्स ए प्लस बी वगैरह बना सकते हैं क्या, देखो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो वैसे तो कोई सूत्र है नहीं इसका इंटीग्रेशन करने का, जीरो से वन टेन इनवर्स इसको मैं लिख रहा हूं, देखो टू एक्स माइनस वन है इसको मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस एक्स माइनस वन ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो और नीचे वाली स्टेप है उसमें से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूं, इस स्टेप को मैं लिख रहा हूं देखो वन माइनस एक्स एक्स माइनस वन लिख रहा हूं, देखो साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, भाई ये आ जाएगा कितना आएगा भाई, यहां से देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, इस स्टेप से देखेंगे तो इसी स्टेप से देखो ऐसे किया है मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, देखो और उस स्टेप को मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस वन आ जाएगा, देखो लिख सकते हैं नहीं, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे लिखा इस स्टेप को, देखो अब ये किसका सूत्र बन रहा है, अपन देख रहे हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी का फॉर्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी का सूत्र बन रहा है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी आपको, देख इसको अपन लिख सकते हैं, देखो जीरो से वन टेन इनवर्स ए प्लस बी का सूत्र लग रहा है, देखो यहां टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी वाला सूत्र यहां लग रहा है, साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा भाई, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं भाई, जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स, अलग अलग लिख रहा हूं देखो दोनों इंटीग्रेशन को मैं, जीरो से वन ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन डी एक्स ऐसे लिख दिया, देखो मैंने आप बताओ इस इंटीग्रेशन को कैसे करना चाहिए अपने को, कैसे करना चाहिए इस इंटीग्रेशन को, देखो है इसके अलावा देखो इकाई को द्वितीय खंड मानना हो तो ठीक है, इसके अलावा देखो देखिए और कोई तरीका है क्या, अगर इसमें अपन चौथा गुणधर्म लगा दें या इसमें चौथा गुणधर्म लगा दें तो ये दोनों इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ चौथा गुणधर्म लगा दिया जाए या चाहे वहां लगा दो एक ही बात है, चौथा गुणधर्म अगर लगा देंगे तो इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देख जीरो से वन ये तो ऐसा कैसा, देख ये तो ऐसा कैसा, देख यहां मैं चौथा गुणधर्म लगा रहा हूं, देख यहां चौथा गुणधर्म लगाएंगे कैसे लगाएंगे, देखो जीरो से वन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स की जगह करेंगे वन माइनस एक्स, एक्स की जगह वन माइनस एक्स कर देंगे, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने यहां लगा दी, देख चौथा गुणधर्म मैंने यहां लगाया,
एक्स की जगह कर दिया मैंने वन माइनस एक्स कर दिया। देख अब इस वन से तो ये वन कैंसिल हो रहा है, देख इस वन से ये वन कैंसिल हो गया, देख और यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना बन रहा है, देख जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स है, टेन इनवर्स माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन का मान फोर्थ प्रॉपर्टी से जीरो बन रहा है, देख ये अपन देख रहे हैं, देख ये अच्छे क्वेश्चनों में है, थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई ऐसा नहीं कि देखते ही कर दोगे आप, इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार अभी कर लिया अब इसको करना दोबारा, देख जीरो से वन टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपॉन ये दे रखा था, इसको मैंने ऐसे लिखा, देख और कोई तरीका नहीं है समाकलन करने का, देखो इसको अपने टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का सूत्र बनाया, देख ये सूत्र बना दिया फिर इसको सोल्व कर रहे थे, फिर इसको अपने सोल्व किया, देख क्या सही है, के बाद देखो देख सही है या नहीं, ये लिखा देख ये लिख दिया, देख कुछ क्वेश्चन है अपन देख रहे हैं, देखो टेन इनवर्स सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे वो है, देख वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देख ये क्वेश्चन है, देख बताओ कैसे इसको कर सकते हो आप लोग, रफ वे में करके देखो सारे एक बार, कैसे इस इंटीग्रेशन को किया जा सकता है, देख नीचे वाली स्टेप को देखो, देखिए नीचे वाली स्टेप को देख के ऊपर वाली स्टेप को क्या लिख सकते हैं, जीरो से वन टेन इनवर्स, ऊपर वाली स्टेप को अपन लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, और नीचे वाली स्टेप से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको भी अपन लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स लिख सकते हैं नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है, साथ में आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा, ऊपर वाली स्टेप को अपन ने ऐसे लिखा है, देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वापस वन ही आ जाएगा, और इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो देख इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया, देखो माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा, देखो इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, देखो अब ये किसका सूत्र बन रहा है, किसका सूत्र बन रहा है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में वन माइनस ए बी का फॉर्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिखा जा सकता है भाई, ये लिख सकते हैं नहीं, आप कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, देखो अलग अलग लिख लो दोनों इंटीग्रेशन को, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेंगे भाई, जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, जीरो से वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख दिया, ये लिखा है, सेकंड वाले में फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो, देख जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसमें देखो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखो इसमें चौथा गुणधर्म लगा रहे हैं, देख इसमें चौथा गुणधर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा, जीरो से वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह लिखेंगे अपन वन माइनस एक्स, ये लिखेंगे नहीं, ये लिख दिया मैंने, चौथा गुणधर्म लगाया, चौथा गुणधर्म क्या कहता है, एक्स की जगह अपन लिख सकते हैं ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो एक्स की जगह मैंने लिखा है वन माइनस एक्स लिखा है, ये लिखा नहीं, अब ये बन गया जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये बन गया नहीं,
यहां वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन गया जीरो से वन, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स बन गया देख। और इसको अपन लिख सकते हैं देखो टू जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स लिख सकते हैं देख, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका समाकलन करना अपन जानते हैं देख, कैसे करोगे बताओ इसका समाकलन, अगर प्रतिलोम फलन अगर दे रखा हो, अकेला दे रखा हो तो इकाई को लेते हैं द्वितीय खंड, सही है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर अकेला दे रखा हो तो इकाई को द्वितीय खंड लेके इंटीग्रेशन करते हैं, सबको आना चाहिए समाकलन। अभी मैं चेक कर रहा हूं देख, करके देखो ये तो कई बार कर चुके हैं अपन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर अकेला दे रखा है तो इकाई को द्वितीय खंड लेके समाकलन करते हैं देख, ये अपन देख रहे हैं देख, इकाई को द्वितीय खंड लेके इंटीग्रेशन अपन करेंगे देख, इकाई को द्वितीय खंड लेके अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं देख, करना चाहिए भी सभी को, बार बार कर चुके हैं अपन। इकाई को द्वितीय खंड मानते हैं देखो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया देख, ये सेकंड है ये फर्स्ट है देख। पीछे अपन ऐसा नियम पढ़ चुके हैं, अगर लोग वाला फलन हो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर अकेला हो तो इकाई को द्वितीय खंड लेके समाकलन करते हैं देख, इकाई को द्वितीय खंड लेके समाकलन करते हैं देख। आप करो इसका समाकलन कितना आता देख, टू तो ऐसा कैसा हो गया, फर्स्ट ऐसा कैसा देख, फर्स्ट ऐसा कैसा हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, लिमिट हो जाएगी जीरो से वन, जीरो से वन आएगी देख, ये आएगा देख। फिर आएगा देखो जीरो से वन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टेन इनवर्स एक्स का, ओकली इतना हो जाएगा देख, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा देख। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, एक्स आएगा, फिर का इंटीग्रेशन करेंगे देख, का इंटीग्रेशन कर दिया देख, यहां से ही आएगा कितना देखो टू, टू आएगा देख, जो सूत्र होता है वो अपने काम में लिया देखो, यहाँ पे लिमिट रख दो, एक्स की जगह वन करेंगे तो एक्स की जगह वन करने पर कितना आ जाएगा, एक्स की जगह वन करेंगे तो ये बनेगा पाई बाई फोर, एक्स की जगह जीरो करेंगे जीरो बन जाएगा देख, ये बन जाएगा देख। अब सारे इधर सुनेंगे देखो, छोटे मोटे समाकलन वो सीधे किया करो देखो, अब यहां अपन देख रहे हैं देखो ये समाकलन कैसे होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानने से होगा देखो, क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलज यहाँ पे विद्यमान है देख, अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर को अपन टी मानेंगे तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा, काफी बार कर चुके हैं ऐसा इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, चाहे लिमिट चेंज कर लो चाहे उसी में कर दो, वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा देख, अब लिमिट होगी इसकी वही लिमिट ले लेंगे जीरो से वन देख, अगर आप इसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अगर टी मानते तो लिमिट भी चेंज हो जाती, अब आपने टी माना ही नहीं, सीधा उसी का इंटीग्रेशन कर दिया एक्स की फोर में देखो, तो एक्स वाली लिमिट ही काम में ले लेंगे देख, एक्स वाली लिमिट ही काम में ले लेंगे देख, अगर इसमें टी मानते हो तो टी वाली लिमिट चेंज हो जाएंगे देखो, सीधा अपने इस इंटीग्रेशन को कर दिया एक्स की फोर में लिख दिया देख, एक्स की फोर में इसको लिखा है देख, चाहे टी मान के कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देख, यह आ जाएगा कितना देखो इसको देख रहे हैं टू, ये आ गया पाई बाई फोर देख, माइनस वन बाई टू देख, यहाँ पे एक्स की जगह वन करेंगे तो ये बनेगा देखो लॉग टू बनेगा देख, एक्स की जगह जीरो करेंगे लॉग वन का मतलब जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो देख, टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई टू माइनस लॉग टू, ये इसका आंसर आएगा देख, पाई बाई टू माइनस लॉग टू इसका आंसर आ जाएगा देख। अच्छा क्वेश्चन है देखो, पाई बाई टू माइनस लॉग टू इसका उत्तर आएगा देख, कौन सी बात इसमें समझ में नहीं आई बताओ देख एक बार,
वहां शुरू में अपने देखा था, देखो उसको टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का सूत्र लगा दिया था, फिर उसको सॉल्व कर रहे थे। देखो चौथा गुणधर्म लगा के देखो वन माइनस एक्स को वापिस एक्स में कन्वर्ट कर लिया था। देखो अब ये समाकलन है, ये समाकलन तो अपन काफी बार कर चुके हैं। देखो जैसे एन इसी समाकलन होगा वैसे ही होगा। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के साथ में दूसरा कोई फलन नहीं है, तो इकाई को अपन द्वितीय खंड लेके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इकाई को द्वितीय खंड लेके फिर इंटीग्रेशन किया। देख ये अपन देख रहे हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, फिर समाकलन किया। देख पढ़ाई की प्रैक्टिस करो भैया, आप लोग पढ़ाई काफी कम कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। देख कुछ स्टूडेंट तो मेरे को दिख रहे हैं बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देख है क्या फायदा होगा बताओ, ये फायदा क्या हुआ इससे? जीरो से वन देखो टेन इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है उनको अपन कर रहे हैं। देखो आज परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देख इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। देख जीरो से वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में आपको कोई क्वेश्चन आएगा, किसी को नहीं आता। देखो कोई बात नहीं है, अभी इसको देख लिया आपने, फिर घर जाके प्रैक्टिस करो, दोबारा जब ये सामने आए तो ये इंटीग्रेशन आना चाहिए अपने। देखो उद्देश्य तो वो है, तो ये थोड़ा कि पहली बार में देखते ही आप कर दोगे, सीखने भी आएगा वो तो कोई बात नहीं है। देखिए सीखो तो सही कम से कम इसको, कैसे होगा देखो ये इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसको आगे अपन कैसे भी नहीं कर पाएंगे। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। देखो इसको वन अपॉन में चेंज करना पड़ेगा। देखो और अपन ये बात जानते हैं, देखो टेन इनवर्स एक्स है वो बराबर होता है किसके, कोट इनवर्स वन अपॉन एक्स के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन को अपन लिख रहे हैं जीरो से वन कोट इनवर्स वन अपॉन, ये लिख रहे हैं ऐसे लिख दिया। देखो इसको मैं टेन इनवर्स एक्स है वो बराबर होता है कोट इनवर्स वन अपॉन एक्स के। देख तो इसको मैंने ऐसे लिखा, देख इसको ऐसे लिख दिया, देख ये लिखा। देख अब कोट इनवर्स को वापिस टेन इनवर्स में चेंज कर लो, वही क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो जो अभी अपने किया है, अभी जो अपने किया था वही क्वेश्चन ये बनने वाला है। देख अपन ये बात जानते हैं, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई टू होता है। देख ये होता है, तो यहां से ये जो कोट इनवर्स है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देख जीरो से वन इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिखेंगे। देख टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, वहां से मैंने लिखा। देख ये लिखा, देख ये लिख दिया। देख आप इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहे हैं। देख ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, देख और ये इंटीग्रेशन अलग हो गया, ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। देख ये इंटीग्रेशन अलग हो गया, देख ये अलग है। देख अब इस इंटीग्रेशन का मान अभी अपने निकाला, देख इस इंटीग्रेशन का मान अभी अपने निकाला, देख इस इंटीग्रेशन का मान अभी अपने निकाला। सारे करो भी, जो नए स्टूडेंट है वो भी करो। देखो सोमवार से नया बैच चालू करेंगे अभी, पता करके देखो एक बार, देखो मंडे से नया बैच चालू करेंगे। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो वन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आएगा, लिमिट आएगी जीरो से वन। इस इंटीग्रेशन का मान अभी अपने निकाला है कितना आएगा, पाई बाई टू कितना आया था, पाई बाई टू माइनस लॉग टू आया था। देख यह कितना आया था, देख कितना आ गया, देख ये आया था। देख अब यहाँ पे लिमिट रख दो, देखो कितना आ जाएगी, एक्स की जगह वन कर दो, देख एक्स की जगह वन कर दो, देख यहाँ लिमिट रखी है मैंने, देख माइनस ही आ जाएगा, पाई बाई टू लॉग टू आ जाएगा, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा लॉग टू आ जाएगा, ये आ जाएगा।
कुछ जो बड़े क्वेश्चन है या कुछ आप जैसे ये देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन तीन जगह काम आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है देख, कई क्वेश्चन हो रहे हैं इससे देख, कई क्वेश्चन हो रहे हैं इससे देख, तो इसका उत्तर इतना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 0 से 1 tan inverse 1 - x + x² है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख, क्योंकि सीधा होता ही नहीं है देखो, जब तक अपने ये दिमाग में नहीं आएगी इसको cot inverse में चेंज करके ऐसे करें तब तक नहीं होगा देख, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो फेस वेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो सारे अपनी कॉपी में करेंगे, कल कर चुके हैं अपन ऐसे क्वेश्चन, फेस वेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फेस वेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 0 से π (1/1 + a^10x) dx, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया था फेस वेट 2018 में, कल अपने किया ऐसा इंटीग्रेशन देख, कल ऐसा इंटीग्रेशन अपने किया था भाई, अगर हर में ए की पावर एक्स हो, ई की पावर एक्स हो तो चौथा गुणधर्म काम में लेना चाहिए, कल बात की थी अपने देख, तो सबसे पहले इसको आई के बराबर मानो और करके देख, सबसे पहले इसको आई के बराबर मानेंगे और करके देखेंगे देख। आई के बराबर मानेंगे, सबसे पहले इसको आई के बराबर मान लेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी यहां लगा रहे हैं देख, चौथा गुणधर्म अपन यहां लगा रहे थे, चौथा गुणधर्म अपन यहां लगा रहे हैं, चौथा गुणधर्म अपन लगा रहे हैं, कितना आ जाएगा देख 0 से π, चौथा गुणधर्म क्या कहता है देखो, जहां भी x है ना वहां लिख देंगे a + b - x लिख देंगे देख, जहां भी x है वहां पे लिख देंगे a + b - x ऐसे लिख देंगे देख, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा, चौथा गुणधर्म अपन ने लगा दिया देख, चौथा गुणधर्म अपन ने यहां लगाया देख, ये लगाया, अब यहां से अगर अपन देखें तो i बराबर कितना आ रहा है देखो 0 से π (1/1 + tan π - x) को क्या लिख सकते हैं, -tan x लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं भाई, tan π - x को अपन लिख सकते हैं -tan x, ऐसे लिखा जा सकता है भाई, अब देखो ये सेम इक्वेशन बन गया, a - tan x है, इसको 1/a^10x लिख देंगे देख, इसको लिखेंगे 1/a^10x, लिखेंगे एलसीएम लेंगे ये ऊपर चला जाएगा देख, एलसीएम लेंगे ये ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा a^10x, नीचे आ जाएगा a^10x + 1, ये आ जाएगा, लघुतम ले लिया देखो इसका एलसीएम लिया देख, अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो देख, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे देख, सही है ना, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, जब हर में a^x हो e^x हो तब अपने को ये नियम काम में लेना चाहिए देख, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो इधर तो आ जाएगा देखो 2i आ जाएगा, इधर बन रहा है 0 से π, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं देख, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, यहां आ जाएगा 1 + a^10x, क्या लघुतम देखो दोनों का, इन दोनों का लघुतम ले लिया देखो, वहां पे 1 है यहाँ पे कितना है देखो a^10x, ये देख रहे हैं अपन, देखो इसका और इसका एलसीएम सेम है देख, दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों को एक साथ जोड़ा है, दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया देख, ऊपर से अगर अपन देखें तो 1 + ये आ गया देख, इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा देख, ये सही है के बात यहां तक, ये समझ रहे हो, ये नहीं, अब इसको सोल्व करेंगे कितना बन जाएगा देखो, उसका मान 2i बराबर आ जाएगा कितना देखो 0 से π (1 dx) आ जाएगा, 1 कैंसिल हो गया देख, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा x आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से π,
यानी पाई आ जाएगा तो इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाई टू, ये इसका मान आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करके देख रहे थे, पूछा गया देखो ये फेस्ट गेट 2018 में पूछा गया, फेस्ट गेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को करके देखो, देखिए सर करो सारे करो अपनी कॉपी के अंदर इस क्वेश्चन को देखें कैसे करोगे। कैसे करना चाहिए बताओ, इस इंटीग्रेशन को देखो, देखी जीरो से इनफाइनाइट लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसी स्टेप हो तो उसको प्रोसीड करने का तरीका होता है एक्स बराबर टेन थीटा रख दो इसमें, देख एक्स बराबर रख दो टेन थीटा, देख एक्स बराबर अगर अपन टेन थीटा रखेंगे तो कितना बनेगा देखो, डी एक्स बराबर बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि x बराबर tan थीटा रखने से फायदा, x बराबर sin थीटा रखने से यहाँ फायदा नहीं है। देखो x की जगह अगर अपन sin थीटा रखेंगे तो ये 1 plus sin square थीटा बनेगा, कोई सूत्र ही नहीं बनेगा। जब भी a square plus x square हो तो अपन पहले बात कर चुके हैं x बराबर अपन मानते हैं a tan थीटा जैसा मानते हैं, देखो तो x बराबर यहाँ tan थीटा मानेंगे, देखो तो dx बराबर बन जाएगा sec square थीटा d थीटा, देखो लिमिट किसमें चेंज हो जाएंगे, देखो ये अच्छी क्वेश्चन है, देखो थोड़े अलग टाइप की क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान रखना, देखो प्रैक्टिस के साथ। लिमिट किसमें चेंज हो जाएगी देखो, एक्स बराबर इनफाइनाइट वाली लिमिट किसमें चेंज हो जाएगी, देखो एक्स की जगह अगर इनफाइनाइट करेंगे तो टेन का मान इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, पाई बाई टू पे होता है, देखो तो लिमिट आ जाएगी थीटा बराबर पाई बाई टू, देखो एक्स बराबर अगर अपन जीरो करेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अभी जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो थोड़े अलग तरीके के एग्जाम्पल कर रहे हैं, इनको ध्यान रखना, देखो एक्स बराबर अपने पुट कर दिया, देखो टेन थीटा है इसमें, देखो x बराबर टेन थीटा पुट कर दिया, नीचे dx बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा, देख फिर यहां से अपन इसका मान लिमिट भी चेंज कर दे, देख अब ये सारे मान यहां पे रखेंगे तो क्या बन रहा है, देख ऊपर तो बन रहा है पाई बाई टू, देख नीचे बन रहा है जीरो बन रहा है, देख यहां कितना आ जाएगा log x की जगह टेन थीटा रखा रहा हूं, देख तो ये बनेगा log sec स्क्वायर थीटा, देख नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ dx की जगह भी आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा, देख इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, देख इससे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, देख अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो घात को पहले लिखा जा सकता है, तो ये जो घात है इसको पहले लिख सकते हैं, देख तो ये आ जाएगा 20 से पाई बाई टू log sec थीटा d थीटा आ जाएगा, देख और इसका मान कितने लोगों को याद है, ऊपर हाथ करेंगे, देख इस इंटीग्रेशन का मान शाबाश सबको याद है, देख तो जीरो से पाई बाई टू लॉग सेक थीटा, मैंने कहा था ना छह स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाए थे, देखो छह स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाए थे, वो बार बार काम आते रहेंगे, देखो तो वही से इसका मान अपन लिखेंगे, इसका मान होता है पाई बाई टू लॉग टू होता है, इसका मान होता है पाई बाई टू लॉग टू होता है, पीछे लिख चुके हैं अपन ये बात, इसका मान आ जाएगा पाई लॉग टू आ जाएगा, ये इसका उत्तर आएगा। छह स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन ने लिखे थे, उनको याद करो, ऐसे रिजल्ट लिखे थे अपन ने, देखो जीरो से पाई बाई टू लॉग सेक थीटा डी थीटा, इसका मान होता है पाई लॉग टू होता है, ये पाई बाई टू लॉग टू होता है, ये होता है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो आई वन बराबर दे रखा है, देखो ये दे रखा है जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आई वन बराबर तो ये दे रखा है, देख और
आई टू बराबर ये दे रखा है भाई, आई टू बराबर दे रखा है जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी दे रखा है, ये दे रखा है भाई लॉग साइन टू टी डी टी दे रखा है, ये दे रखा है लॉग साइन टू टी डी टी दे रखा है। तब अपने को पूछा गया आई वन प्लस आई टू का मान पूछा गया, आई वन प्लस आई टू का मान अपने को पूछा गया, इसका मान अपने को पूछा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी ले लो एक्स ले लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, एक ही बात, इसका मान अपने को पूछा गया। अपन जानते हैं निश्चित समाकल में वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक्स लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है भाई। आई वन प्लस आई टू का मान अपन निकाल रहे हैं, आई वन का मान हो गया देखो जीरो से इनफाइनाइट लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, नीचे आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आ जाएगा भाई, ये हो गया जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू टी डी टी, ये हो गया। अब पहले वाला समाकलन कैसे करना चाहिए बताओ, देखिए पहला समाकलन कैसे करना चाहिए अपने को, देख वापिस वो स्थिति बन रही है, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसी स्टेप दिख रही है यहाँ पे, तो एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दो इसमें, एक्स बराबर टेन थीटा पुट करो, देख पहला जो समाकलन है उसमें एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर देंगे, देख फर्स्ट जो समाकलन है देख उसमें अपन एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर रहे हैं भाई, एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर रहे हैं, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा आ जाएगा देख, पहला जो इंटीग्रेशन है उसमें एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दिया, देख लिमिट चेंज हो जाएंगे, देखो किसमें चेंज हो जाएगी लिमिट, थीटा बराबर ये सॉरी एक्स बराबर जब इनफाइनाइट लेंगे, देख एक्स बराबर इनफाइनाइट लेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई टू, ये आ जाएगा भाई, और एक्स बराबर अगर अपन जीरो लेंगे तो टेन का मान जीरो कहां पे होता है, जीरो पे होता है देख, ये होता है देख, ये सारे मान यहां पे रख दो देख, ये सारे मान इसमें रख दो और इंटीग्रेशन को सोल्व करो, देख लिमिट तो बन गई है जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, देख एक्स की जगह रख देंगे टेन थीटा, यहां पर एक्स की जगह रख दिया टेन थीटा, प्लस आ जाएगा वन अपॉन टेन थीटा, देख नीचे बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा और साथ में आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ रहा है कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है देखो जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू टी डी टी आ रहा है, ये आ रहा है। अब अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व करके देखो, देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा भाई, बताओ देखिए कौन सा नियम लगेगा, कैसे सोल्व करोगे, करके देखो, करके देखो इसको इस तरीके से देख, कैसे करना चाहिए बताओ इस इंटीग्रेशन को, करके देखो सारे ही, उधर बनना है देखो कितना जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू आ रहा है, ये कितना बन जाएगा देखो टेन थीटा एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा देख, ये बन रहा है लॉग सेक स्क्वायर थीटा अपॉन बन रहा है टेन थीटा, साथ में आ रहा है डी थीटा आ रहा है, प्लस ये स्टेप आई रही है देखो जीरो से पाई वेट, इसको बाद में हल कर लेंगे अपन, ये आएगा कितना आ जाएगा नहीं, ये स्टेप आ रही है देखो, इसको थोड़ा अगर सोल्व करें तो ये कितना बन रहा है देख जीरो से पाई वाई टू लॉग, ये स्टेप क्या बन जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं देखो वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गए, तो इस स्टेप को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन
साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं भाई, साथ में डी थीटा आ जाएगा भाई, ऐसे अपन लिख सकते हैं नहीं, प्लस आ जाएगा कितना देखो, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू टी डी टी लिख सकते हैं, ऐसे अपन लिख सकते हैं नहीं, ये आ जाएगा भाई, ये सही लिखा है कि मैंने देख, आप बताओ कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो देखें यहां अपन देख रहे हैं, यहां देखो साइन टू थीटा है तो यहां भी साइन टू थीटा बना लो, देखो भाई यहां साइन टू थीटा है तो यहां भी साइन टू थीटा बना लो, ऊपर नीचे इसको दो से गुणा कर दो देख, तो ये बन जाएगा टू अपॉन साइन टू थीटा बन जाएगा भाई, साथ में डी थीटा आ जाएगा भाई, ये आ रहा है जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू टी डी टी आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई, ये आएगा भाई। अब इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो लॉग एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, देख लॉग एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, देख लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, साथ में डी थीटा आएगा भाई, प्लस ये बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू टी डी टी, ये आएगा भाई, इतना आ जाएगा भाई। अब यहां अगर अपन देखें तो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, अपन जानते हैं निश्चित समाकल में वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टी हो थीटा हो एक ही बात होती है, देख हो जाएगा ना ये कैंसिल, देख ये दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएगी, देख तो यहां से कितना बन जाएगा, देखो लॉग टू तो बाहर ले लेंगे अपन, ये लॉग टू तो बाहर ले लिया भाई, और ये बन जाएगा जीरो से पाई बाई टू वन डी थीटा आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, तो यहां से बनेगा कितना लॉग टू इन टू पाई बाई टू आएगा भाई, तो यानी आ जाएगा इसका आंसर पाई बाई टू लॉग टू आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई टू लॉग टू आएगा, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में याद रखना है इनको, देखो x बराबर अपने टेन थीटा पुट किया था तभी समाकल हुआ, देखो x बराबर टेन थीटा इसमें पुट किया था, देखो लिख लो इसको, देखें ये सही है या नहीं, ये दो के गुणा में नहीं है पाई बाई टू, पाई बाई टू तो वैसे ही लॉग टू तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया भाई, ये बाहर आ गया भाई, क्या बन जाएगा पाई बाई टू लॉग टू बन जाएगा भाई, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कितने लोग कर सकते हैं, देखो इसको कितने इंजीनियस स्टूडेंट हैं, देखो अभी पता चलता भाई, यहां अपन देख रहे हैं देखो जीरो से वन कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, और पहले किया हुआ है अपना, पहले अपन कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, कोई उत्तर बताएगा नहीं अपनी कॉपी में करेंगे भाई, कितने लोगों ने कर लिया, शाबाश, सारे इधर सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे अपन, एक तो ये बात कर चुके हैं कि जिसका अपने पास कोई सूत्र नहीं हो उसको टी मान लिया करो, अब यहां देखो अपन लॉग साइन पाई बाई टू एक्स, ऐसा अपने पास कोई जैसे इंटीग्रेशन वगैरह नहीं है तो इसको टी मान लो, देखो पाई बाई टू एक्स को अपन टी मान लेते हैं, पाई बाई टू एक्स बराबर टी मानने से फायदा ये होगा कि इसकी लिमिट जीरो से पाई बाई टू बन जाएगी, देखो पाई बाई टू एक्स बराबर टी प्रतिस्थापन तो कहीं भी काम में ले सकते हो, वो तो कहीं भी काम में लिया जा सकता है, अब इसके प्रतिस्थापन मानने से जो जो चेंज हो रहे हैं वो चेंज कर दो इसके अंदर, तो पाई बाई टू एक्स बराबर अगर टी मानेंगे तो ये बनेगा पाई बाई टू डी एक्स बराबर बनेगा डी टी बनेगा, देख ये बनेगा, देख इसकी जो लिमिट है वो किसमें चेंज हो जाएगी, देख
एक्स बराबर अगर अपन वन लेंगे तो एक्स बराबर वन लेने पर टी का मान कितना आ जाएगा, फाइव बाई टू आ जाएगा देखो। और एक्स बराबर अगर अपन जीरो लेंगे तो एक्स बराबर जीरो लेने पर टी का मान जीरो आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा भाई, ये मान आएगा भाई। अब ये मान मैं वहां रख रहा हूं देख, लिमिट इसमें रख रहे हैं देखो, वन वाली जो लिमिट है वो तो चेंज हो गई फाइव बाई टू में देख, और जीरो वाली लिमिट जीरो में चेंज है देख। यहां आ जाएगा कितना, लॉग साइन पाई बाई टू एक्स की जगह अपन ने टी मान लिया भाई, ये माना भाई। और इसकी जगह अपन ये मानेंगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा कितना, टू अपॉन पाई डी टी आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई। तो यहां से ये बनेगा टू अपॉन पाई जीरो से पाई बाई टू, ये बनेगा, यह आ जाएगा लॉग साइन टी डी टी, ये आ जाएगा भाई, कितना बनेगा। और इस इंटीग्रेशन का मान अपन जानते हैं देख कितना होता है मान, माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है भाई, वो रिजल्ट याद कर लो बहुत बार काम आता रहेगा देख, माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है भाई, इस इंटीग्रेशन का मान होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू होता है, दो से दो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस लॉग टू, ये इसका आंसर आएगा, या इसको अपन लिख सकते हैं लॉग वन अपॉन टू लिख सकते हैं भाई, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। अब यहां थोड़ा सा ही ध्यान देना पड़ेगा देखो, अगर अपन जानते हैं देखो लॉग साइन एक्स डीएक्स का मान, इसका मान जानते हैं लॉग साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इस एक्स की जगह अगर अपन मान लो टी बना लें तो इस इंटीग्रेशन का मान तुरंत लिख सकते हैं अपन देख, तो इसलिए पाई बाई टू एक्स को अपन ने टी माना देख, पाई बाई टू एक्स को अपन ने टी माना देख, ये बात सही है क्या देखो, ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन देखो, ये प्रैक्टिस के लिए है, इनको दो तीन बार प्रैक्टिस के साथ में याद रखना देख, इनको प्रैक्टिस के साथ में याद रखना है देख, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं देखो। जैसे इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स लॉग टेन एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है, इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है, लोग वाले क्वेश्चन अपन थोड़ा पहले भी बात कर चुके हैं, और देखो थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखो इस बात को देखो, यहां अगर अपन इसमें मान लो और तो किसी तरीके से होगा नहीं, चौथा गुणधर्म लगाएं तो फायदा होगा, देखो इसमें क्या फायदा होगा चौथा गुणधर्म लगाने से, एक्स की जगह अपन करेंगे पाई वाई टू माइनस एक्स करेंगे तो ये तो वापिस साइन टू एक्स ही बन जाएगा, और यहां बन जाएगा लॉग कोट एक्स बन जाएगा, फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो लॉग टेन एक्स और लॉग कोट एक्स दोनों जोड़ेंगे तो लॉग वन बन जाएगा, और लॉग वन का मान कितना होता है जीरो होता है, तो चौथा गुणधर्म है वो यहां लगा के अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चौथा गुणधर्म यहाँ पे लगाएंगे, लॉग वाले क्वेश्चन है उनमें चौथा गुणधर्म भी काम में लेते हैं अपन कई बार, लॉग वाले जो क्वेश्चन है उनमें चौथा गुणधर्म काम में लेते हैं तो कई बार उनका मान आसानी से आ जाता है, तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को मान रहे हैं अपन आई के बराबर जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स लॉग टेन एक्स डी एक्स, इसको समीकरण नंबर मैंने एक कह दिया भाई, ये हो गया समीकरण नंबर एक, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, चौथा गुणधर्म लगा दो देख, चौथा गुणधर्म लगा देंगे देख, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे कितना आएगा देख, जीरो से पाई बाई लॉग साइन एक्स की जगह कर देंगे पाई बाई टू माइनस, फोर्थ प्रॉपर्टी अपन लगा रहे हैं भाई, लॉग टेन एक्स की जगह कर रहे हैं पाई बाई टू माइनस एक्स कर रहे हैं, साथ में डी एक्स आ जाएगा भाई, चौथा गुणधर्म अपने लगाया जहां भी x था वहां मैंने पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया भाई, ये कर दिया भाई, यहां जाएगा देखो साइन, सॉरी भाई मैंने ध्यान,
साइन टू पाई बाई टू माइनस एक्स साथ में आ जाएगा लॉग टेन पाई बाई टू माइनस ये आएगा देख। अब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देख, जीरो से पाई बाई टू साइन टू पाई बाई टू माइनस एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो जीरो से पाई बाई टू, दो को अंदर गुणा कर दिया देख, दो को अंदर गुणा करेंगे साइन पाई माइनस टू एक्स बनेगा, और साइन पाई माइनस टू एक्स है वो वापिस कितना होता है साइन टू एक्स होता है देख, ये होता है देख, दो से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पाई माइनस टू एक्स आएगा, साइन पाई माइनस टू एक्स का मतलब हो जाएगा साइन टू एक्स देख, लॉग ये कितना बन जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना होता है कॉट एक्स होता है, इसको समीकरण नंबर दो कह दिया। अब समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ दो देख, समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ेंगे तब इसका उत्तर आएगा देख, समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा, समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ेंगे तब इसका उत्तर आएगा देख, दोनों में से देखो साइन टू एक्स अपन कॉमन ले सकते हैं देख, दोनों में से साइन टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा देखो लॉग टेन एक्स प्लस आ जाएगा लॉग कोट एक्स साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ये आ गया भाई कितना आ जाएगा भाई, ये बात सही है क्या देख, अब लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगा दो इसके अंदर देख, log m प्लस log n का सूत्र लगा देंगे साइन टू एक्स आ जाएगा, log m प्लस log n का मतलब कितना हो जाएगा टेन एक्स इंटू कोट एक्स आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बन गया जीरो से पाई बाई टू साइन टू एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा log वन आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, और log वन का मान कितना होता है जीरो होता है, तो पूरा इंटीग्रेशन ही जीरो हो जाएगा भाई, लोग वाले क्वेश्चन है वो देखो और किसी नियम से नहीं हो रहे हैं तो चौथा गुणधर्म लगा के देख लेना एक बार, चौथा गुणधर्म लगा के देख लेना चाहिए, एक्स की जगह रखा है मैंने देखो पाई बाई टू माइनस बताओ है? आओ तो मान लो टेन एक्स बराबर टी मानने से भी, लेकिन चौथा गुणधर्म सीधा सीधा अपन देख रहे हैं, चौथा गुणधर्म देखने से ये फायदा है कि सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो साइन टू एक्स तो वो बन ही रहा है, लॉग टेन एक्स का अपन कर चुके हैं पहले, देख लॉग टेन एक्स का इंटीग्रेशन वैसे जीरो होता है देख, जीरो से पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स का मान जीरो होता है, तो ये ज्यादा सही रहेगा देख, ये अपन देख रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चन हो उनमें चौथा गुणधर्म लगा के देख लेना चाहिए, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे इस इंटीग्रेशन का मान बताओ कितना आता देख, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लॉग वन प्लस टेन एक्स है भाई, ये जीरो से पाई बाई टू लॉग, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है करके देखो एक बार देख, जीरो से पाई बाई टू लॉग वन प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये टेन पाई बाई फोर है भाई, सॉरी ये टेन, ये जीरो से पाई बाई फोर, लिमिट जीरो से पाई बाई फोर कर लेना, जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसका मान पूछा गया है, इसका मान पूछा गया है, चौथा गुणधर्म लगा के देखो एक बार सारे देखें क्या होता है, चौथा गुणधर्म लगाने से क्वेश्चन तो गलत होगा ही नहीं, चौथा गुणधर्म लगा के देखो एक बार, फोर्थ प्रॉपर्टी यहां लगा रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी यहां लगा रहे हैं, चौथा गुणधर्म यहां लगा रहे हैं, यहां आ जाएगा कितना देखो, इसको आई के बराबर मान लेते हैं, ये बन जाएगा जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स आएगा, साथ में आ जाएगा डी एक्स, ये आ जाएगा भाई, कितना आएगा भाई, ये आएगा भाई, चौथा गुणधर्म लगा दिया, चौथा गुणधर्म लगाया एक्स की जगह लिखा है मैंने पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखा दे, ये आ जाएगा देखो जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस, अब इसमें टेन ए माइनस बी का सूत्र लगा दो देख, टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है टेन पाई बाई फोर माइनस, सूत्र होता है ना देखो टेन ए माइनस टेन बी का, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, अपॉन में आ जाएगा कितना वन प्लस टेन पाई बाई टेन एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, टेन ए माइनस बी का सूत्र अपन लगाया देख, यहां से अगर अपन देखें तो i बराबर आएगा जीरो से पाई बाई फोर,
ये बन जाएगा log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 को अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा देखो 1 माइनस टेन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा भाई, साथ में dx आ जाएगा भाई। यहां से i बराबर आएगा देखो 0 से पाई बाई 4, इस पूरी स्टेप को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पूरी स्टेप को सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम तो आ जाएगा देखो 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ये स्टेप यहां चली जाएगी भाई, ये स्टेप यहां चली जाएगी भाई, तो 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा प्लस 1 माइनस टेन एक्स आ जाएगा भाई, साथ में डी एक्स आ जाएगा, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो रहा है, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया भाई। अब यहां पर देख रहे हैं देखो ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4, ये बनेगा देखो लॉग 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बनेगा भाई, साथ में डी एक्स आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो उत्तर आ जाएगा देखो, यहां पर देखो फोर्थ प्रॉपर्टी काम में ली है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहीं भी काम में ली जा सकती है देख, यहां पर देख रहे हैं चौथा गुणधर्म लगाने से ही थोड़ा सरल बन रहा देख, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो देख, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे देख, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे देख, आई के बराबर मान, आई के बराबर मान लिया, इसको समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं, कितना आएगा समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं इधर आ जाएगा 2i आ जाएगा, 0 से पाई बाई 4 आ रहा है देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे थे तो वहां बनेगा log 1 प्लस टेन एक्स प्लस आ जाएगा log 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, अब यहां से 2 आई बराबर कितना आ रहा है देखो, लोग एम प्लस लोग एन का सूत्र लगा दो भाई, लोग एम प्लस लोग एन का सूत्र लगा रहे भाई, ये सही है क्या बात यहां तक देख, लोग एम प्लस लोग एन का सूत्र लगाएंगे, लोग एम इंटू एन हो जाएगा, लोग एम इंटू एन का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस टेन एक्स, 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा, इससे ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यहां से देखो लॉग 2 आ रहा है, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले सकते हैं भाई, यहां देखो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स आएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 आ जाएगी, अब यहां से कितना आ जाएगा देखो 2i बराबर कितना आ रहा है, पाई बाई 4 लॉग 2 आ रहा है भाई, i बराबर कितना हो जाएगा देखो पाई बाई 8 लॉग 2 हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 8 लॉग 2 हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन चौथे गुणधर्म से हो पाएगा देखो, ये सामान्य तरीके से नहीं हो पाएगा देखो, चौथा गुणधर्म लगाने से क्या हो रहा है देखो, लॉग 1 प्लस टेन एक्स है वो कैंसिल हो रहा है, लॉग 1 प्लस टेन एक्स है वो कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है देखो, इस इंटीग्रेशन का मान देख 0 से पाई लॉग 1 प्लस कोस एक्स है, इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है, सारे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, सबसे पहले आई के बराबर मानो और फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ देख, आई के बराबर मान के फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के देखो देखिए इसको, करना चाहिए सभी को देखो, सबसे पहले आई बराबर मान लो, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो, देखिए क्या आता है फिर आगे, सबसे पहले आई बराबर मान लिया भाई, क्योंकि और किसी तरीके से होंगे नहीं इंटीग्रेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी से होते हैं ज्यादातर, लॉग 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी यहां लगा रहे हैं भाई, चौथा गुणधर्म लगा रहे हैं, चौथा गुणधर्म लगाएंगे आई बराबर कितना आ जाएगा देखो, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा भाई, ये बनेगा भाई,
एक्स की जगह कर दिया मैंने पाई माइनस एक्स कर दिया भाई। अब यहां पर देख रहे हैं कितना बन रहा है, देखो आई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो से पाई लॉग कोस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोस एक्स होता है भाई, तो वन माइनस कोस एक्स आ जाएगा भाई। इसको समीकरण नंबर कह दिया दो कह दिया, इसको समीकरण नंबर दो कहा भाई। अब समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ दो, फोर्थ प्रॉपर्टी से अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ देंगे भाई, समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ रहे हैं भाई। समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा सीधा अपन देख रहे हैं, देखो समीकरण नंबर एक और दो को जोड़ेंगे कितना आएगा, जीरो से पाई लोग एम प्लस लोग एल का सूत्र लग जाएगा भाई। चलो एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, लोग वन प्लस कोस एक्स आएगा, प्लस आएगा लोग वन माइनस कोस एक्स। अब ये थोड़ा सीधा इसको लिखना सीखो, देखें यहां डी एक्स आ जाएगा भाई, ये आएगा। अब लोग एम प्लस लोग एन बन गया, लोग एम इंटू एन आ जाएगा भाई, यानी कितना आ जाएगा लॉग वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, इतना आएगा। और लॉग वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, लॉग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं भाई, लॉग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं भाई। अब घात को पहले लिख सकते हैं भाई, यहां से अपन देख रहे हैं घात को अपन पहले लिख सकते हैं भाई, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2i बराबर कितना आ जाएगा, देखो घात को पहले लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 जीरो से पाई log sin x dx आ जाएगा। इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा भाई। अब अपन एक सूत्र जानते हैं, अगर लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2 अगर अपन बना लें तो सीधा इसका मान लिख सकते हैं, देखो तो इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर सकते हो क्या, देखो देखिए सिक्स प्रॉपर्टी यहां लग सकती है क्या, देखो कठा गुणधर्म क्या कहता है, एक्स की जगह करना है आपको पाई माइनस एक्स करना, देखो एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स करना है, अगर ऐसा करने पे इसका मान चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी लिमिट अपन हाफ करके लिख सकते हैं, देखो एक्स की जगह अगर पाई माइनस एक्स करेंगे, याद करो ये बातें, एक्स की जगह अगर पाई माइनस एक्स करेंगे तो इसका मान नहीं चेंज हो रहा है, देखो एक्स की जगह अगर पाई माइनस एक्स करेंगे तो इसका मान नहीं बदल रहा है, और मान नहीं बदल रहा है तो इसके अंदर सिक्स प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखो और सिक्स प्रॉपर्टी से इसकी लिमिट तो हाफ हो जाएगी और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सिक्स प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी मैंने, छठा गुणधर्म मैंने यहाँ लगाया भाई, ये लगा दी भाई। अब इस इंटीग्रेशन का मान अपन जानते हैं कितना होता है, कितनी जगह काम आ गया देखो, माइनस पाई बाई टू लॉग टू भाई, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस पाई लॉग, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका मान आएगा। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चनों में है, देख थोड़ा याद करो इनको एक बार, कल थोड़ा इसमें बच गया वो पढ़ के, फिर अपन क्षेत्रकलन पढ़ेंगे, फिर सोमवार से अपन नई बुक पढ़ेंगे, देख 2D पढ़ेंगे, देख तो जो नए स्टूडेंट है 2D से पढ़ना स्टार्ट कर देना, पहले वाला कोई काम नहीं आएगा उसके अंदर, फिर 2D तो अलग हो गया, उसमें कोई ऐसा नहीं कि अवकलन समाकलन कुछ काम आना है उसके अंदर, तो जो भी नए स्टूडेंट है वहां से पढ़ेंगे देख।